जैसे अविद्या अपनी वृत्ति ममता के द्वारा जीव को दुख देने के लिए बांधती है, वैसे ही प्रेम भी अपनी वृत्ति ममता के द्वारा सुख स्वरूप ईश्वर को भी अतिशय सुख प्रदान करने के लिए बांध देता है। जय श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 30 और 31 माता देवती द्वारा स्तुति का उपसंहार। सभी लोग दोहराएं। उपसंहर विश्वात्मन आदो रूपमलौकिकम् शंख चक्र गदा पद्मा श्रिया जुष्टम् चतुर्भुजम् उपसंहर विश्वात्मन आदो रूपमलौकिकम् शंख चक्र गदा पद्मा श्रिया जुष्टम् चतुर्भुजम् उपसंहर विश्वात्मन आदो रूपमलौकिकम् शंख चक्र गदा पद्मा श्रिया जुष्टम् चतुर्भुजम्। हरे कृष्ण। उपसंहर वापस ले लीजिए विश्वात्मन हे विश्वव्यापी भगवान अदह उस रूपम स्वरूप को अलौकिकम इस जगत में अप्राकृत अप्राकृतिक इस जगत में अप्राकृतिक शंख चक्र गदा पद्मा शंख चक्र गदा तथा कमल से युक्त श्रिया इन ऐश्वर्यों से युक्त जुष्टम अलंकृत चतुर्भुजम चार हाथों वाले उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं इस जगत के लिए अप्राकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवी बालक बन जाइए जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। तात्पर्य, देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे। किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते।
मेरे लिए किया गया पाप भी धर्म में गिना जाता है। तो अब वचन भंग करना तो पाप है, लेकिन वो करने के लिए तैयार कृष्ण के लिए, मन निमित्तम। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे, किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। इसको कहाँ छुपा दे, इतना बड़ा रूप है और फिर उसमें से प्रकाश निकल रहा है। विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते, यथावकाशं पुरुषः परो भवान्, बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत्, अहो निर्लोकस्य विडम्बनं हितात्। हरे कृष्ण। विश्वम संपूर्ण विश्व को, यत एतत् चर तथा अचर सृष्टियों से युक्त, स्वतनौ अपने शरीर के भीतर, निशा अंते संहार के समय, यथा अवकाशम बिना कठिनाई के आपके शरीर में शरण, पुरुषः भगवान, परः दिव्य भवान आप, बिभर्ति पालन करते हैं, सह वही भगवान, अयम वह रूप, मम मेरा, गर्भगह मेरे गर्भ में आया, अभूत हुआ, अहो ओ निर्लोकस्य जीवों के इस जगत का विडम्बनम सोच पाना कठिन है, ही निस्संदेह तत् वह गर्भ। अनुवाद। संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। विश्वम यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशम पुरुषः परो भवान्, वो आप हैं, और बिना कठिनाई के वहीं रह जाती हैं। यथा अवकाशम, अवकाशम माने, अवकाश माने क्या होता है, छुट्टी, छुट्टी मिल गई सबको, छुट्टी में सब रिलैक्स होते हैं ना, और भगवान के पेट में इतने सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं फिर भी अवकाशम रिलैक्स रहते हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं तो रिलैक्स नहीं हो पाते, अनंत कोटि ब्रह्मांड अंदर चले गए रिलैक्स। यथा अवकाशम पुरुषः परो भवान्, संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बिना कठिनाई के वहीं रह जाती हैं। किंतु अब वही दिव्य रूप, कौन सा वही दिव्य रूप, जिसके गर्भ में अनंत कोटि ब्रह्मांड सब समा जाते हैं, चर अचर सृष्टियां सब अंदर चली जाती हैं, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, अवकाश में रहता है जो बिना कठिनाई के, वो वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी,
मानेगा कोई है नहीं, औरों की तो छोड़ो, वसुदेव कहाँ मान रहे वसुदेव नहीं मना कर दिया, नहीं आप प्रवेश करते जान पड़ रहे हैं, प्रवेश किए थोड़ी हैं, तो अब और लोग क्या कहेंगे, मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्यपूर्ण तथा ऐश्वर्य शिथिल। असली ईश प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। असली ईश प्रेम क्या है? ऐश्वर्य शिथिल प्रेम या शुद्ध प्रेम, जिसमें ज्ञान का मिश्रण नहीं है, उसके बल पर प्रारंभ होता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण, अचिंत्य स्वरूप, अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उस जो अचिंत्य गुण वाला है, अचिंत्य गुण क्या? एक चीज तो चिंतन में बड़े आराम से आती है, भगवान है, सारे देवी देवता उनके कंट्रोल में है, सारा जगत उनके कंट्रोल में है, चर अचर सब प्रकृति माया सब अंडर में है, जीव तो समझ में आता है। लेकिन वो भगवान किसी के अंडर में आ गया है, अब अचिंत्य हो गया, उसको यशोदा ने उखल से बांध दिया, यह अचिंत्य हो गया, वो चिंतन में आ जाएगा। ऐश्वर्य चिंतन में आसानी से आता है, लेकिन माधुर्य चिंतन में कहाँ से आए? यहाँ समस्या फंस जाती सबकी। लेकिन अब उसके लिए क्या चाहिए? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, तो प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहां देवकी भगवान को कह रही हैं कि ये ऐश्वर्य वाला रूप छुपा लीजिए, इससे मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। वो माधुर्य प्रेम चाहती हैं, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान चाह रही हैं, तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से ये कोट करते हुए कि प्रेम कितनी प्रकार का होता है, प्रेमा भक्ति दो प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। एक तो ऐश्वर्यपूर्ण और दूसरी ऐश्वर्य शिथिल। तो असली ईश प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिनके पास प्रेम है वो लोग इस अचिंत्य स्वरूप को, इस श्याम सुंदर रूप को, इस भक्त वश्य रूप को हर समय देखते रहते हैं। वही सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं भगवान से, सदा में मनसी आविरास्ताम किम अन्य, और कोई वर नहीं चाहिए, बस केवल आपका ये जो दामोदर स्वरूप है, भक्त के वशीभूत स्वरूप की यशोदा ने रस्सी से बांध रखा है आपको, ये केवल प्रेमी भक्तों को ही दिखता है स्वरूप। ऐश्वर्य ज्ञान वाले तो उस स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। हर समय ये रूप हमारे सामने रहे, मन के अंदर आविर्भूत रहे,
यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। ये तो गुण हुआ कि बंद गए भक्त के हाथ से, लेकिन अब स्वरूप कैसा? रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, जिसके अंडर में सारे देवता रहते हैं 33 करोड़, जिसके अंडर में माया रहती है, जिसके अंडर में समस्त जीव रहते हैं, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक, वो रो रहा है। ये स्वरूप है अचिंत्य गुण कि भक्त के वशीभूत हो गया। चलो वशीभूत हो जाए, उसका कहना मान ले, ठीक है, अब रो रहा है, छड़ी देख करके डर रहा है। ये अचिंत्य स्वरूप है, ये कौन समझेगा इस बात को कि ये वही है जिससे शिव ब्रह्मा डरते हैं, साक्षात काल भी जिससे भयभीत है, क्या ये वही है? अब अचिंत्य हो गया, अब दिमाग में नहीं बैठेगा, बुद्धि से नहीं समझ में आएगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ जिसका ऐसा अचिंत्य गुण है, जिसका ऐसा अचिंत्य स्वरूप है, इनकंसीवेबल। शुद्ध भक्त जन अपनी आंखों से प्रेम का, आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों में बांसुरी झूलाते हुए देखना चाहते। शुद्ध भक्त माने ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान का मिश्रण जिनमें नहीं है, वो भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों में बांसुरी झुलाते हुए देखना चाहते हैं। यह स्वरूप वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है जो भगवान के उस विष्णु या नारायण रूप से प्रेम नहीं करते जो वैकुंठ में पूजित है, जहाँ भक्तगण उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, अपितु वे उनके श्याम सुंदर स्वरूप से प्रेम करते हैं। यद्यपि देवकी को वृंदावन पर पद प्राप्त नहीं है, वृंदावन का पद तो यशोदा को प्राप्त है, देवकी को प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट हैं। मथुरा तो बहुत निकट है ना वृंदावन के, बहुत करीब हैं। तभी कह रही हैं कि इस स्वरूप को समेट लीजिए, क्योंकि इससे तो मेरी हंसी ही होगी। वृंदावन पद पर कृष्ण की माता यशोदा हैं, जबकि मथुरा तथा द्वारका का पद, मथुरा तथा द्वारका पद पर कृष्ण की माता देवकी हैं। मथुरा तथा द्वारका में भगवान का प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित रहता है, ज्ञान रहता है वहां पे, कृष्ण भगवान है, देवकी की स्तुति से स्पष्ट है। किंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता, वहाँ केवल प्रेम है, ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। भगवान की प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाएं हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। देवकी वात्सल्य पद पर हैं, वे अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थी, इसीलिए वे चाहती थी कि भगवान अपना विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट लें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश डाला है। भक्ति, भगवान तथा भक्त, ये भौतिक जगत से संबद्ध नहीं रहते हैं, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है 14:26 में। तो अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने प्रारंभ में चैतन्य चरतामृत का उदाहरण देते हुए प्रेमा भक्ति के 2 प्रकारों का वर्णन किया, ऐश्वर्यपूर्ण और ऐश्वर्य शिथिल, और देवकी की स्थिति को भी
इस तात्पर्य के माध्यम से स्पष्ट किया कि देवकी की स्थिति क्या है। वैकुंठ में केवल ऐश्वर्य से भगवान की पूजा होती है, वृंदावन में ब्रज में केवल प्रेम से होती है, लेकिन देवकी की स्थिति इन दोनों के बीच में है। केवल ऐश्वर्य भी नहीं है और केवल प्रेम भी नहीं है, ऐश्वर्य और प्रेम का दोनों का मिश्रण हो रहा है। शरण भी ले रही हैं, त्वाम शरणम प्रपद्य, और ऑर्डर भी कर रही हैं कि इस रूप को समेट लीजिए। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने देवकी की आध्यात्मिक जगत में जो स्थिति है उसको क्लियर कर दिया। भक्ति, भगवान तथा भक्त, ये भौतिक जगत से संबंध नहीं है, संबंधित नहीं रहते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 14:26 में हुई है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को लगाता है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ कर आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कौन आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है? जो अनन्य भक्ति के साथ अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी भक्ति, केवल कृष्ण, मन की आसक्ति केवल कृष्ण के साथ, इसको बोलते हैं अनन्यता। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ कर आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। मतलब अनन्यता एक बार आ जाए तो फिर व्यक्ति आध्यात्मिक पद पर आ जाएगा तुरंत, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से ही दिव्य पद पर स्थित रहता है, अनन्यता के बाद की बात कर रहे हैं। आता है वह वसुदेव तथा देव की शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे हैं। अब ये बातें क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद कि जो भक्ति करता है वो आध्यात्मिक पद पर होता है? क्योंकि देवकी और वसुदेव दोनों ही डरे हुए हैं, और कहा है कि भक्ति करते ही डर पहले खत्म होता है, और डर का कारण तो द्वितीय में अभिनिवेश है। द्वितीय माने शरीर में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक संबंधों में। इसमें जैसे ही मेरे मन का अटैचमेंट हुआ तो भय पैदा हो गया। तो क्या देवकी और वसुदेव का जो ये भय है वो भी भौतिक है? इसलिए प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया 14:26 कि जो मेरी भक्ति में लग जाता है वो तो तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो ये भौतिक तो है ही नहीं, ये जो भय है, इसका मतलब भय तो आध्यात्मिक जगत में भी होता है। वसुदेव तथा देवकी शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे हैं। कोई भी व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति में लग जाता है तो वो पार कर जाता है तीनों गुणों को। तो वसुदेव देवकी तो नित्य माता पिता हैं, कृष्ण के पार्षद हैं उनके, वो क्यों नहीं पार कर गए होंगे? तो इसका मतलब उनका ये जो भय है उसको साधारण भय से तुलना नहीं करना चाहिए। किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम के फल स्वरूप ऐसा ही भय बना रहता है। अब देवकी के भय का कारण क्या है? गहन प्रेम, बहुत गहरा प्रेम है कृष्ण से। उस प्रेम के कारण ऐश्वर्य छुप गया है, ऐश्वर्य की ओर दृष्टि जाती नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, तथा श्रीमद् भागवत से भी पुष्ट होता है,
भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, मुझे अगर पाना है, मुझे पकड़ना है ग्राह्य, तो भक्त्या एकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही आप मुझे पकड़ सकते हैं। भक्ति के बिना भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा ही नहीं जा सकता। भक्ति की तीन अवस्थाएं मानी जा सकती हैं, गुणीभूत अवस्था, प्रधानीभूत अवस्था और केवला भक्ति। ठीक है, भक्ति की तीन अवस्थाएं, गुणीभूत अवस्था, प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हम हैं, हमको आलस्य निद्रा भी घेर लेती है, हम भक्ति भी कर रहे हैं। गुणीभूत अवस्था, हमको कभी क्रोध भी आ जाता है, हमको रजोगुण भी आ जाता है, हमको धन कमाने की लालसा भी है, तो रजोगुण है, रजोगुण कर्म से बांध देता है, तमोगुण आलस्य निद्रा प्रमाद से बांध देता है, तो उधर भी बंधे हैं और साधन में भी लगे हैं, साधन क्रिया भी चल रही साथ साथ। गुणीभूत, गुणीभूता भक्ति इसको कहते हैं। उसके बाद होती है प्रधानी भूता भक्ति, कि ये सब कर तो रहे हैं लेकिन प्रधान भक्ति को मानते हैं, ये हो गई प्रधानी भूता भक्ति। और तीसरी अवस्था है केवला भक्ति, अब ये सब करना ही नहीं है, केवल भक्ति ही करना है, केवला भक्ति हो गई। ये भक्ति की तीन अवस्था। इनके भी तीन विभेद हैं, ज्ञान, ज्ञानमयी रति, पहले तो भगवान के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, उसके बाद ज्ञान लेते लेते प्रेम भी हो गया, ज्ञान भी है प्रेम भी है, और तीसरा है प्रेम ही प्रेम है ज्ञान, ज्ञान उसके आगे शिथिल पड़ गया, ये तीसरी अवस्था है। उसी के तीन नाम हैं, अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान मिश्रित प्रेम और शुद्ध प्रेम। ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है, ब्रह्मानंद का अनुभव होगा ज्ञान से, कि हम आत्मा हैं और हमारा कोई जन्म मरण नहीं है, तो इससे कुछ रिलैक्स मिलेगा व्यक्ति को कुछ काल के लिए, लेकिन वो आनंद की अवस्था तो जब आदान प्रदान जब तक दिव्य अवस्था पे नहीं होगा भगवान के साथ, तब तक तो आनंद आएगा नहीं वैसा। तो सामान्य ज्ञान, ज्ञान मिश्रित प्रेम और शुद्ध प्रेम, ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभूति यहां पर मिसप्रिंट है, मानुभूति लिखा है, इसको ब्रह्मानुभूति कहेंगे, इसको सही कर लीजिएगा भागवत में अपने, ब्रह्मानुभूति कहते हैं। ज्ञानमयी अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का अनुभव होता है, ज्ञानमयी अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का अनुभव होता है, किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में पहुंचकर भगवान के कृष्ण या राम रूप की अनुभूति होती है। भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करना, और दूसरी अवस्था है राम और कृष्ण रूपों की अनुभूति करना, ऐसे मतलब माधुर्य वाले जो रूप हैं उनकी अनुभूति करना। ऐश्वर्य रूप है विष्णु रूप, जिसको कि देवकी कह रही है इसको हटा लीजिए आप, संवरण कर लीजिए और कृष्ण रूप में आ जाइए, माधुर्य रूप दिखाइए अपना। किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में पहुंचकर भगवान के राम या कृष्ण रूप की अनुभूति होती है, यही वांछनीय है, हमको वही चाहिए। माधुर्य रस में तो मनुष्य भगवान से अनुरक्त हो जाता है,
श्री विग्रह विग्रह निष्ठ रूपादि। तब भगवान तथा भक्त में प्रेम व्यापार चालू होता है, भगवान में अनुरक्त हो गया, भगवान के साथ ट्रांजेक्शन शुरू हो गया। ब्रजभूमि या वृंदावन में अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए श्री कृष्ण की विशेष महत्ता माधुरी विराजते द्वारा वर्णित है। हाथ में बांसुरी लिए भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है और इस स्वरूप से श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती हैं। वंशीधारी रूप जो कृष्ण का है उससे राधा रानी विशेष रूप से आकृष्ट होती हैं। वे कृष्ण के साथ आनंदमय सानिध्य का भोग करती हैं। कभी कभी लोग यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत में राधिका के नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है। वास्तव में राधिका को आराधन शब्द से समझा जा सकता है। आराधन शब्द तो आया है जिसका अर्थ है कि वह कृष्ण के साथ उच्चतम प्रेमालाप का आनंद भोग करती है। देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपवास हो, अतः वे दो भुजाओं वाले कृष्ण को चाह रही थी। इसीलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। देवकी क्या नहीं चाहती हैं? विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपहास हो। साधारण बच्चों को तो बहुत सी माताएं जन्म दे रही हैं, किसी का उपहास नहीं होता। अब किसी को एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो गया, चार हाथ हैं उसके कौन मानेगा विष्णु है क्या है। और आपकी माता मतलब देवकी अपने आप को अलग करके कह रही हैं आपकी माता का उपहास माना जाएगा, तो वो एक प्रकार से आपका उपहास होगा। देवकी को अपना कोई ईगो नहीं है कि मेरा उपहास लोग करेंगे, मेरा उपहास करना है करें, लेकिन आपकी माता मेरा रिलेशन आपके साथ हो गया, अब मेरा उपहास आपका उपहास माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से देवकी ये बिल्कुल चाह नहीं रही है कि मेरा उपहास हो। इतना सब तो सह लिया है, जेल में बैठी है पता नहीं कितने साल से, शादी के दिन भाई बाल खींच करके तलवार निकाल के गला काटने जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सब बराती वगैरह सब इकट्ठा हैं, उसी समय जेल में ठूस दिया गया, एक एक बच्चे को आ करके मार रहा है भी, और क्या उनको अपमान होगा, अभी और क्या चीज़ सहना बाकी रह गया उनके लिए, कुछ भी तो नहीं बाकी रहा। लेकिन अब ये चीज़ के मेरी वजह से आपको कोई कुछ कहे कि एक एक कोई माने ना कि विष्णु को जन्म दिया इसने, ये देखो कितनी गर्वीली है, अपने आप को विष्णु की माता बता रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके पेट में समाये हुए हैं और बड़ी आसानी से जो सबको रख लेते हैं, फिर पैदा करते हैं, फिर सृष्टि चलाते हैं, कह रही हम उनकी माता हैं। यही श्लोक में कहा देवकी ने कि विश्वम यदेतत् स्वतनौ निशान्ते, सारा विश्व निशान्ते माने प्रलय के समय, यथावकाशम पुरुषः परो भवान, जिसके पेट में जा करके सब रेस्ट करता है वही आप परम पुरुष हैं। और बिभर्ति, बिभर्ति माने सबको धारण कर लेते हैं आप, असो अयम मम गर्भगो गर्भगः, वो ही मेरे गर्भ में आ गया। अहो निर्लोकस्य विडम्बनम हितत, विडम्बनम माने सब मेरा उपहास करेंगे, सब हंसी उड़ाएंगे मेरी, और इससे आपकी हंसी होगी,
हमको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। देवकी ने देखा कि यह बालक अपने स्वरूप का संवरण नहीं कर रहा है। वसुदेव जी ने कहा संवरण कर लो, नहीं कर रहा है, हंस रहा है ऊपर से, अपने परमेश्वरत्व के अहंकार में है ये। मैं परमेश्वर हूँ, मैं क्यों किसी के, अभी नया नया पुत्र बना है ना इतने से इतना बड़ा हुआ तो सीधा करके रखा होता, और सीधे आ गया है शंख चक्र गदा पद्म लेकर के परमेश्वरत्व के अहंकार में, अपना पूरा जबस्त शस्त्र लेकर के आया है, तो परमेश्वरत्व के अहंकार में है और कंस की कोई गिनती नहीं कर रहा है। मेरे पास सुदर्शन है, मेरे पास ये है, सब कुछ है, गदा है, कौमुदी। यह देखकर वह कहने लगी हाय अब मैं क्या करूं, वो चिंता में पड़ गई, अतिशय व्याकुल हो गई, वह अति विस्मित हो गई। इस परमेश्वर के सामने कंस निश्चित ही अति तुच्छ है, फिर भी मेरा डर बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐश्वर्य भी समझ में आ रहा है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए तो है विष्णु ही, और इसके सामने कंस क्या है, कुछ नहीं है, ये मधुसूदन है। तो अब ऐश्वर्य जानते हुए भी डरना, इसको देवकी कह रहे हैं कि ये मेरी विवेकहीनता है, अपने आप को विवेकहीन कह रहे हैं, ये मेरी विवेकहीनता, और इसको मैं भगवान के ऐश्वर्य के द्वारा दूर करने का प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन ये दूर हो ही नहीं रही है, ये मेरी दुस्तर विवेकहीनता है, इसको मैं पार ही नहीं कर पा रही हूँ विवेकहीनता को। तो ये मेरी कैसी दुस्तर विवेकहीनता है। तो वसुदेव जी जब देवकी नंदन का स्तव कर रहे थे, तब देवकी अपने पुत्र का दर्शन कर रही थी चरणों से लेकर के और मस्तक तक, और मन ही मन विचार करने लगी कि क्या ये वही है जिसके इंतजार में असहनीय कंस का ये कारावास अति तुच्छ लगा हम लोग को। कारावास के कष्ट कुछ महसूस ही नहीं हुए कि भगवान आने वाले हैं, कृष्ण आएंगे मेरे गर्भ से, ये सोच सोच करके कारावास कट गया बड़ी आसानी से। क्या ये वही है? वसुदेव स्तुति कर रहे हैं, देवकी सोच रही है। दैववाणी से जो आकाशवाणी हुई थी, दैववाणी जिनके आगमन की वार्ता सुन करके कंस ने यादवों पर भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्या ये वही है? और तीसरी बात सोच रहे हैं कि जिनका चरणाश्रय करने से सब जीवों के सारे बंधन अनायास ही कट जाते हैं, क्या ये वही है? सबके बंधन काटने वाला आ गया है क्या? विश्वास ही नहीं हो रहा है, एकदम से देखा सामने खड़े हुए हैं, वसुदेव जी स्तुति करना चालू कर दिए। बार बार देख के देवकी नीचे से ऊपर तक देख रही हैं और विशेष ध्यान से देखने लग गई क्या क्या पहने हैं। उनके पहनावे में पीत वसन कंपेयर कर रही हैं, जो कुछ सुना था भगवान के बारे में पीताम वराह अरुण बिंब फला धरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, सब देख रहे हैं क्या हूँ बहू, बिल्कुल जैसे कहा था वैसे ही है, बिंब जैसे, बिंब का जो फल होता है बड़ा लाल लाल, वैसे ही होंठ इनके दिख रहे हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, केयूर अंगद बाहों में पहने जाने वाले सब
जो गहने हैं वो सब पहने हुए हैं, मणियों के द्वारा निर्मित आभूषण सर्वांग में झलमल कर रहे हैं। विशाल वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल में वनमाला दोलायमान है। वनमाला हम लोग पहना देते हैं तो सीधी सीधी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जब भगवान है तो भगवान मूवमेंट भी कर रहे हैं इधर से उधर, तो वो दोलायमान हो रही है, ऐसे से हिल रही है। तो ये सीन कितना सुंदर है कि वनमाला दोलायमान है। चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, जेल के अंदर आ गए। बड़ा आश्चर्य की बात है कि कोई पवित्र जगह पे भगवान तीर्थों में रहते हैं, यहाँ वहाँ लोग जाते हैं इधर उधर, वहाँ भगवान मिलेंगे, कंस की जेल में आ जाएंगे। कंस जैसे पापी असुर की जेल के अंदर भगवान आ गए, विश्वास ही नहीं हो रहा है। नीचे से ऊपर तक बारंबार बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। उनके अति समुज्ज्वल नीलांग की ज्योति, शरीर नीला, उसकी जो ज्योति है उससे कारागार जगमगा रहा है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि ये समस्त महापुरुष के लक्षण हैं, ये किसी साधारण पुरुष में संभव नहीं है। इतने दिनों के पश्चात अब संपूर्ण जगत का अमंगल दूर होगा। सचमुच ही आज मंगल का आगमन हुआ है, परंतु कैसा आश्चर्य है, मंगल तो आ गया है लेकिन आश्चर्य कितना है कि पुरुषोत्तम श्री गोविंद ने एक सामान्य मानवी के गर्भ से जन्म लिया है। मेरे जैसी साधारण स्त्री जिसमें न भजन न कुछ न शरणागति, सामान्य मानवी के गर्भ से क्यों जन्म ग्रहण किया? अब मैं कोई सामान्य मानवी नहीं, देवी अभी कुछ होती तो मैं इसके प्रोटेक्शन के लिए तगड़ा इंतजाम करती, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी लेडी, मैं क्या करूं, इसको कैसे सुरक्षा दूं? इसी का तो कंस इंतजार कर रहा था इतने दिन से, जिसके लिए हम लोगों को इतना सताया, सबको सताया आकाशवाणी के बाद से, अब छोड़ेगा थोड़ी। और आया भी तो ऐसे मेरे जैसी साधारण स्त्री जो बिल्कुल अबला है, कुछ कर ही नहीं सकती है, इतने दिन से जेल में रह रह कर कौन सा वहाँ बहुत बढ़िया राजभोग मिलता होगा वहाँ पे, और शिथिल हो गया है देह। बड़ा आश्चर्य है, मेरे जैसी सामान्य मानवी के गर्भ से क्यों जन्म ग्रहण किया? हाय अब मैं क्या करूं? मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करने के कारण कंस के अत्याचार से इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम बस यही है कि ये मेरे गर्भ से आया, मेरे तो सारे गर्भों को मारेगा कंस, छह को मार चुका है, सातवां तो चला गया रोहिणी के गर्भ में, अब ये तो है आठवां, अब तो कंस छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे गर्भ से आया ना इसलिए नहीं छोड़ेगा। देवकी का आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा, ये आकाशवाणी हुई थी, अब तो छोड़ेगा नहीं। इसकी प्रॉब्लम बस यही है कि मेरे गर्भ से आया है, मेरे गर्भ से ना आता, किसी और के गर्भ से आ जाता तो ठीक था। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है, परंतु देवकी प्रेम के कारण केवल कृष्ण का हित सोच करके कि मेरे गर्भ से क्यों आया, उस सौभाग्य को भी प्रॉब्लम समझ रही है। ये है प्रेम, जिसमें सौभाग्य भी एक समस्या दिखाई पड़ रहा है। अब इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, मैं अपने इस पुत्र की कैसे रक्षा करूं? कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, यहां कुछ भी सुविधा नहीं है कि क्या कर लें इस जेल के अंदर, एक मटकी पानी के अलावा कुछ है ही नहीं यहां पे, जंजीरों में बंधे हैं हाथ पैर। तब ईश्वर दृष्टि में विस्मय, अब ईश्वर सोचती हैं कि ये तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कोई, मतलब ईश्वर आया, विष्णु आ गए। तो आश्चर्य होता है कि मेरे जैसी साधारण स्त्री के गर्भ से कैसे आ गए, और अगर पुत्र दृष्टि रखती हैं तो भय आता है कि अब इसकी रक्षा कैसे करूं। ईश्वर दृष्टि में विस्मय,
और पुत्र दृष्टि में भय, इन दोनों ने आकर देवकी के हृदय पर पूरा अधिकार कर लिया। भय और आश्चर्य, अधीर हो गई। अब हाथ जोड़कर पुत्र रूपी कृष्ण की स्तुति करने लगी। मन ही मन देवकी ने विचार किया कि ये बात प्रसिद्ध है कि भक्तगण स्तुति के द्वारा भगवान को वश में कर लेते हैं, भक्तिबद्धम हो जाते हैं। अतएव इस महाहठी को, हठी भी निर्णय कर लिया उन्होंने कि हठी है ये, जो कि पिताजी की बात नहीं माना है, अवज्ञा कर चुका है पिताजी की तो ये हठी है। अतएव इस महाहठी को मैं स्तुति के द्वारा, पहली आज्ञा थी, पिताजी ने पहली बार कुछ कहा कि इस दिव्य रूप का स्मरण कर लो बेटा, नहीं किया। महाहठी है, अब पिता की बात नहीं माना। माँ की तो वैसे चलो ठीक है, हल्के में लेते हैं लोग, पिता की बात तो मान लेते हैं, तो पिता ही की नहीं माना तो मेरी क्या मानेगा इस महाहठी को मैं स्तुति के द्वारा ही वशीभूत करके अपनी बात मनवाऊंगी, स्तुति करूंगी और ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत से भक्तों ने स्तुति कर करके कंट्रोल किया है, मैं भी कंट्रोल करूंगी स्तुति करके। ऐसा विचार करने के बाद देवकी ने 8 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। माता देवकी ने प्रारंभ के 4 श्लोकों में अपने भय को व्यक्त किया। वे कहने लगी, हे परमेश्वर, हम दोनों का भय बढ़ता जा रहा है और आपको भय की कोई आशंका ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है आपको। भगवान के रूप का वर्णन किया, रूपम माने नारायण, राघव, हयशीर्ष आदि भगवान के स्वरूप हैं। फिर कहते हैं आप अव्यक्त हैं, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रही हैं। अव्यक्त माने जो वचन, मन और इंद्रियों के द्वारा अगोचर हो, जिसको समझा ही ना जा सके और वर्णन भी ना किया जा सके, तो भगवान को उन्होंने कहा कि आप अव्यक्त हैं। इंद्रियां आपके स्वरूप को देख नहीं सकती, मन उसका अनुभव नहीं कर पाता, वाणी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती जो आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन से प्राप्त होता है। आपके दिव्य स्वरूप को कोई देख ले तो अब वाणी में शब्द नहीं है कि उसका वर्णन कोई कर देगा, एज इट इज। वाणी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती, वो उसकी क्षमता के बाहर है। इसीलिए तो जितने भक्त हैं सब पुस्तक पे पुस्तक लिख रहे हैं। परंपरा पूरी की पूरी, भक्तिदान महाराज आए उन्होंने लिखा, प्रभुपाद आए उन्होंने लिखा, अभी भी सब भक्त लोग लिखते जा रहे हैं। भगवत दर्शन पे भगवत दर्शन छपती जा रही, बढ़ती जा रही क्या है, भगवान का वर्णन ही तो हो रहा है। तो वाणी में क्षमता ही नहीं है, फिर भी सब भक्त प्रयास करते रहते हैं, यही उनकी सफलता है जीवन की। आपके स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए हमारे पास कोई भाषा ही नहीं है, कोई भाषा इतनी परफेक्ट नहीं है कि जो आपके स्वरूप को ठीक ठीक वर्णन कर दे कि आपका रूप कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं। कमल लोचन कह दिया, अब इस भौतिक जगत में कमल से ज़्यादा सुंदर कुछ दिखा ही नहीं, तो कमल जैसी थोड़ी है, कमल से कहीं ज़्यादा सुंदर है। लेकिन अब उससे सुंदर कुछ दिखाई नहीं तो क्या करें, मजबूरी है, कोई भाषा ऐसी नहीं बनी जो पूरा वर्णन कर सके। फिर देवकी ने कहा कि आप आद्यम हैं, आद्यम माने आप जन्म रहित हैं, सबके आदि हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। फिर कहती हैं सत्ता मात्रम, शुद्ध सत्वमय आपका श्री विग्रह, शुद्ध सत्वमय आपका धाम, शुद्ध सत्वमय आपके भक्त, आपके परिकर आदि सब शुद्ध सत्वमय, निर्विशेषम आप निर्विशेष हैं। निर्विशेष माने प्रपंच से रहित, विशेष से रहित,
जिसमें विशेष नहीं है। विशेष माने प्रपंच, प्रपंच माने इस भौतिक जगत का, जिसमें इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं है उसको कहेंगे निर्विशेष। आप निरीह हैं। निरीह माने चेष्टा रहित। स्वतः परिपूर्ण होने के कारण वितृष्ण है, तृष्णा से रहित है। ईह माने ईहार्यस्य हरिर्दास्य, ईह माने चेष्टा। अब चेष्टा कोई क्यों करता है? जब कोई इच्छा होती है, इच्छा रहित है आप। कोई तृष्णा ही नहीं है तो फिर कोई एफर्ट क्यों करे? निरीह। दूसरा अर्थ है निरीह का कि आप सकाम भक्तों को अपनी ही प्राप्ति की अभिलाषा, उनको भी निरीह बना देते हैं आप, ठीक है, उनको भी चेष्टा रहित बना देते हैं। अन्य अभिलाषिता, जब अन्य अभिलाषा ही नहीं है तो अन्य चेष्टा कहाँ से आए? चेष्टा भी गई, एक ही चेष्टा है। 22 घंटे बैठे हैं हरिदास ठाकुर नाम जप रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। तो निश्चेष्ट या चेष्टा रहित कर देते हैं, निरीह ही बना देते हैं। और कैसे बना देते हैं ऐसा कि 22 घंटे वो जप ही कर रहा है खाली? अपनी प्राप्ति की अभिलाषा बढ़ा देते हैं। जितनी जिसमें भगवत प्राप्ति की अभिलाषा बढ़ी रहेगी उतनी वो भक्ति करेगा, जिसमें अभिलाषा कम है वो कम करेगा, वो चार माला से संतुष्ट हो जाएगा, और जिसमें अभिलाषा बहुत है वो 64 से भी संतुष्ट नहीं होगा, करता जाएगा करता जाएगा। जितनी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा भगवान भर देंगे उतना ज्यादा उसकी चेष्टाएं भक्तिमय होती जाएंगी। फिर देवकी ने कहा आप अध्यात्म दीप हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं देवकी कितने सिद्धांतों वाली स्तुति कर रही है, ऐसे गूढ़ सिद्धांत जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं जानते हैं, ऐसे देवकी बोल रही है। कैसे बोल पा रही है? तो देवकी उसका जवाब दे रही है अध्यात्म दीप है। सर्व तत्व प्रकाशक आप हैं। हमको क्या आता है? हमको कुछ नहीं आता है। हम कहाँ गुरु के पास गए, पढ़े लिखे, कुछ नहीं। पति ने जो ज्ञान दे दिया बस वही है। जेल में बैठे हैं तो दोनों जने बात करते रहते हैं। वसुदेव जी तो शुद्ध सत्व में हैं और शुद्ध सत्व में तो देवकी भी हैं। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो पार्षद हैं, नित्य माता हैं, लेकिन अभी इस जन्म की अगर हम बात करें और थोड़ा स्थूल दृष्टि से देखें तो वसुदेव जी का संग प्राप्त है। तो अध्यात्म दीप है, आप ही सर्व तत्व प्रकाशक हैं। कोई व्यक्ति हमको नॉलेज दे सकता है लेकिन वो हमारी समझ में आएगी कि नहीं आएगी? वो तत्व को प्रकाशित तो अंदर परमात्मा बैठे हैं, वो करेंगे ना। प्रभुपाद जी तो सबको इक्वली सबको नॉलेज दे रहे हैं, सबको बुक्स अपनी पहुंचा रहे हैं भक्तों के माध्यम से, परंतु कौन कितने उसमें से गेन कर पा रहा है? जितना वो भगवान को स्मरण करता है भगवान उतना ही उसके हृदय में तत्व प्रकाशित करते रहते हैं। बुद्धि आदि सारी इंद्रियों के प्रकाशक साक्षात विष्णु हैं। सारी इंद्रियों के प्रकाशक जीभ है, टेस्ट लेना जानती है, लेकिन एक जीभ ऐसी भी भगवान ने बना दी जो मल में भी टेस्ट ले लेती है, तो उसके में बहुत कम प्रकाशित किए है जो जिह्वा की टेस्ट लेने की पावर है, कम से कम प्रकाशित किए। इंद्रियों की जो पावर है वो बहुत कम है उसके अंदर, तभी तो वो उसमें भी स्वाद ले लेता है। और हम लोग तो बहुत सात्विक तरीके से कोई डिश बनाई जाए उसमें भी हम कमी निकाल देंगे कि इसमें नमक थोड़ा कम है, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नमक कम है क्या है
वो मल खा रहा है, उसमें मल में नमक कम है। तो इंद्रियों को प्रकाशक है भगवान। बुद्धि आदि समस्त इंद्रियों के प्रकाशक साक्षात विष्णु है। माता देव की अत्यंत विनम्र भाव से भगवान विष्णु को अध्यात्म दीप कह रहे हैं, और उनका भाव यह है कि मेरे अज्ञ होने पर भी मेरे मन में जैसे जैसे आप ज्ञान दे रहे हैं मैं वैसे वैसे कह रहे हूँ, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। इतनी सुंदर स्तुति करके वो सारे क्रेडिट से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता है। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, महाप्रलय होने पर महाभूतेषु आदि भूतम गतेषु, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के अहंकार में विलीन हो जाने पर, व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगे न याते, काल के प्रभाव से व्यक्त जो है वो अव्यक्त में लीन हो गया, काल के प्रभाव से महत्तत्व जो है प्रधान में लीन हो गया, और भवान एक शिष्यते अशेष संज्ञः, आपको कहा जाता है अशेष, क्योंकि सारी महाप्रलय हो जाने के बाद भी केवल आप ही शेष रह जाते हैं। सबके निर्देशक आप ही अपने नाम रूप लीला गुण परिकर आदि के साथ में शेष रहते हैं। व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगे न याते, देवकी ने कहा कि काल के प्रभाव से ये सारा कुछ हो जाता है और आप रह जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि जब काल ही सब कुछ कर रहा है तो काल का गुणगान क्यों नहीं कर रही हो, मेरा गुणगान क्यों कर रही हो। तब देवकी ने कहा योयम कालस तस्य ते अव्यक्त बंधो चेष्टाम आहु चेष्टते येन विश्वम, कि काल क्या है, यह आपकी चेष्टा मात्र है, आपकी इच्छा मात्र से काल ये चल रहा है। निमेश आदि वत्सरांतो महियान तम त्वाम ईशानम क्षेम धाम प्रपद्य, जो सर्व संहारक काल है उसे भी पंडित लोग आपकी चेष्टा कहते हैं या लीला कहते हैं, या आपकी लीला है। लीला मतलब क्या? लीला मतलब जो कार्य देवताओं तक के लिए बहुत कठिन हो उसको कोई खेल खेल में कर दे, इसको बोलते हैं लीला। इंद्र ने इतनी वर्षा की, कल्पना उसने नहीं की होगी कि ये गोवर्धन उठा करके सबको अंदर ले आएगा और एक छींटा भी किसी के नहीं पड़ेगा, कर दिया। अगासुर बकासुर से देवता परेशान थे और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था देवताओं के द्वारा, और भगवान खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ, देखा बगला आ गया एक और खा गया कृष्ण को, सब हाय हाय करने लग गए ग्वाल बाल। इतने में देखा कि बाहर निकला, चोच फाड़ दिया, बस खत्म खेल एक सेकंड में, और देवता परेशान है। शिव जी तक को दौड़ा लिया था उसने, इतना भयंकर था वो बकासुर। ब्रह्मा का ब्रह्मदंड भी वहाँ काम नहीं आ पाया, ये भयंकर था, लेकिन कृष्ण ने तो ऐसे ही उसको खेल खेल में मार दिया। फिर वो एक उदाहरण बन गया, अब अगासुर के मुंह में जा रहे हैं। तो कहने लगे कि अब सचमुच अजगर हुआ तो, कहने लगे तो क्या, जो बकासुर का वो इसका होगा, चलो हम लोग तो खेलते हैं। ये एक एग्जाम्पल बन के रह गया बकासुर बच्चों के लिए, कोई चिंता नहीं, माम एकम शरणम मुझे माँ शुचह, जो सर्व संहारक काल है उसे भी पंडित लोग आपकी चेष्टा या लीला कहते हैं। जैसे आप निर्भय हैं, आपके लिए तो सब काम कोई भी कठिन नहीं है, अब महाप्रलय के बाद भी आप ही शेष रहते हैं तो आपको किस बात का डर लगेगा,
आपको तो कोई डर है नहीं, कंस का भी कोई डर नहीं दिखा रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो ऐसे हंस रहे हो। तो जैसे आप निर्भय हैं वैसे ही अपनी माता मुझे भी निर्भय बना दो, ये तो कर ही सकते हो। ये भाव है देवकी का। आप क्षेम धाम हैं अर्थात सर्व मंगल के आश्रय हैं, सारा मंगल तो आप पे विद्यमान है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्व मंगलाय तनोहरि। मंगलम 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 मंगलम, हर जगह भगवान का नाम आता है। मंगल भगवान के बगैर नहीं होता। जीव जब तक आपके चरणाश्रय करने के सौभाग्य से वंचित रहता है, जब तक भगवान का चरणाश्रय नहीं लिया है जीव ने, तभी तक उसे भय लगा रहता है। आपके अभय चरणों में एक बार आश्रय ग्रहण करने से फिर कोई भय नहीं रहता। जैसे ग्वाल बाल है उनको कोई भय है? आघासुर के पेट में जा रहे हैं, मुंह में घुसे जा रहे हैं, जो बकासुर का हुआ था वही इसका होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। इसका होगा जो कुछ होगा, हमारा क्या होगा? हम तो कृष्ण है ना, माम एकम शरणम। मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर एक में, ये ब्रिजवासियों में है कॉन्फिडेंस, भगवान की बात पे विश्वास होना चाहिए इतना। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूँ, तो कभी अपने को अकेला नहीं समझना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय जुड़तिष्ठति। तो और कितने आनंद का विषय है ये कि जिसको हम खोजते फिर रहे हैं, जिसके लिए पूरा जीवन लगा करके साधना कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, सुबह उठ के मंगल आरती कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, किसके लिए? जिसको पाने के लिए, वो मेरे हृदय में बैठा है। तो हमसे ज़्यादा आनंद में तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। सच्चिदानंद मेरे हृदय में है और हम निरानंद कैसे हो सकते हैं? जीवन की किसी भी अवस्था में हमको आनंद से विहीन तो कभी किया ही नहीं भगवान ने, स्वयं रहे हमारे हृदय में। हम मल का कीड़ा बन गए अपने कर्मों से, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। आज मनुष्य बने हैं उनकी कृपा से, आज भी हमारे साथ हैं, और कृष्ण कृपा मूर्ति को भेज दिया है हमारे पास। ले लो कृपा कितनी चाहिए। तो जीव जब तक आपके चरणाश्रय करने के सौभाग्य से वंचित है, तभी तक उसे भय लगा रहता है। आपके चरण अभय चरणों में एक बार आश्रय ग्रहण करने से और कोई भय नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति कभी भी ये सोचता है कि हम अकेले हैं, इसका मतलब वो नास्तिक है, क्योंकि उसको गीता पे विश्वास नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूँ, उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं, अकेला समझ रहा है अपने को। आस्तिक किसी को कहते हैं जो एक एक बात पे विश्वास करे। भगवान ने कहा है कि मेरा चिंतन करो अनन्य भाव से, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। तो अगर हम मानते हैं इस बात को तो हम आस्तिक, और नहीं मानते हैं तो नास्तिक। क्यों नहीं मानते? भगवान ने कहा है तो भगवान की बात भी नहीं मानते, करेंगे वहन? निश्चिंत रहो। अब हम ऑर्डर नहीं कर सकते कि आज ही हमने आपकी शरण ली है, अभी अभी मेरा योग अच्छे मतलब आपने वहन नहीं किया। अब वो हमारे गुलाम थोड़ी हैं। देखो देवकी वसुदेव कितने 8-10 साल से जेल के अंदर हैं, अब आए हैं तो उन्होंने इंतजार किया है ना, तो हमको भी करना चाहिए ना, विश्वास करना चाहिए। ये नहीं 2 दिन में विश्वास डोल गया कि आए ही नहीं है आप तो योग से मैंने नहीं किया, हमने तो 1 हफ्ता इंतजार किया। अरे 10 जन्म तक ना आए हो, उनकी मर्जी है, उनकी स्वतंत्रता को हम छीन लेंगे क्या कि हमने शरण ले लिया आपकी, अब आप स्वतंत्र नहीं रहे, अब आप मेरे अधीन हो गए। तो फिर हमने शरण लिया कि उन्होंने लिया? शरण तो
अभी अभी शरण ली और उसी समय करें भगवान तो विश्वास मेरा बढ़ता जाए। भगवान के तुम्हारा विश्वास बढ़े चाहे ना बढ़े हमको इसकी जरूरत नहीं है, बहुत बैठे हुए हैं विश्वास वाले, पूरा ब्रज मंडल गोलोक सब भरा है, रूप सनातन से लेकर के सब शुरू है, पूरी गुरु परंपरा सब राधा गोविंद महाराज प्रभुपाद सब विश्वास कर रहे हैं, तुम मत करो चलो जाओ। मेरी ख्याति तुम्हारे अविश्वास से कम नहीं हो जाती। अब भगवान से योगक्षेम महन का डेट टाइम फिक्स कराएंगे हम, ये सब नहीं चलेगा, विश्वास करो करेंगे। ध्रुव का किया, प्रहलाद का किया, मीरा का किया, हमारा भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वही तो भगवान है। तो जब आपके चरणाश्रित जन निर्भय हो जाते हैं तो फिर आपकी क्या बात है, आप निर्भय खड़े हैं तो कोई हमें आश्चर्य की बात नहीं है। मरण धर्मशील व्यक्ति मृत्यु रूप काल सर्प के भय से अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। यहाँ तो खाली 100 वर्ष की आयु है, स्वर्ग में आयु बड़ी लंबी होती है, चलो स्वर्ग चलें, ले अग्निष्टोम यज्ञ कर रहा है बैठ करके, स्वर्ग जाने का प्रयत्न कर रहा है, कर्मकांड की किताबें खोल के बैठ गया, कौन सा यज्ञ करें स्वर्ग मिलेगा, कौन सा दान करें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग का राज्य मिल जाए, अश्वमेध यज्ञ करो 100, स्वर्ग के राजा इंद्र बन जाएंगे। भाग रहे हैं इधर से उधर, कोई ब्रह्म लोग जा रहा है कि स्वर्ग में भी तो देखा कि हाँ यहाँ भी आयु खत्म हो जाती है, ब्रह्म लोग ब्रह्मा जी वही के वही हैं, 71 चतुर्युग बीत गए तो उसके बाद मनु का काल खत्म हुआ और इंद्र भी बदल गए, सब सब खत्म, छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति हो गया। अब एक दिन में तो 14 मनु बदल गए, अभी ब्रह्मा की आयु बहुत है तो ब्रह्मलोक चले तो वहाँ ठीक है, भाग रहे हैं इधर से उधर, कहाँ आयु ज्यादा मिल जाए वहाँ जाना चाहता है, और यही आयु बढ़ा रहा है, 100 पूरा तो जी ले कम से कम, तू प्राणायाम कर ले तो ये कर ले वो कर, आयु बढ़ जाए किसी तरह से, आयु बढ़ाने के चक्कर में भाग रहा है, डॉक्टरों के पास दौड़ रहा है, योगियों के पास जा रहा है। तो देवकी कह रही है कि मरणशील धर्म, मरण धर्मशील, उसका धर्म क्या है, मरना है। मरण धर्मशील व्यक्ति मृत्यु रूपी काल सर्प के भय से अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, परंतु काल सर्प पीछे पीछे चलता रहता है, इसलिए वह कहीं भी निर्भय नहीं हो पाता। परंतु हे भगवान, त्वत्पदाब्जम प्राप्य स्वस्थः शेते, केवल मात्र आपका चरणाश्रय करने पर ही मृत्यु दूर भाग जाती है, इसके अतिरिक्त मृत्यु से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आदमी को कोई बीमारी घेरती है तो सीधे कहाँ जाता है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सबसे पहले आजकल कोरोना का टेस्ट होता है, और जो उसकी जो न मशीन सही है न उसकी कोई मेडिसिन है, फिर भी इलाज कर रहे हैं लोग, तो उस इलाज पे विश्वास कर रहा है, फिर उसको एक दिन कोरोना पॉजिटिव घोषित करके वेंटिलेटर पे लिटा करके यमदूतों के हवाले कर दिया जाता है, भैया चलो खत्म तुम्हारा खेल। भगवान का चरणाश्रय लेना मृत्यु से बचने के लिए, तो भगवान का चरणाश्रय, यहां देवकी माता स्पष्ट बात कर रही हैं, त्वत् पादाब्जम प्राप्य स्वस्थः शेते, स्वस्थ कैसे होगा व्यक्ति, आपके चरणाश्रय से, स्वस्थ माने स्व में स्थित, स्व क्या है, आत्मा, आत्मा जब अपने धर्म में स्थित है, धर्म क्या है, भगवान की बात मानना, भगवान की बात क्या है, माम एकम शरणम व्रज, तो जो भगवान की शरण में गया वो स्वस्थ है, बाकी सब बीमार हैं, स्वस्थ। त्वत् पादाब्जम प्राप्य, आपके चरण कमलों को प्राप्त करके स्वस्थ शेते, स्वस्थ होकर के आराम से सोता है फिर वो शेते,
केवल मात्र आपका चरणाश्रय करने पर ही मृत्यु दूर भाग जाती है, इसके अतिरिक्त मृत्यु से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसकी गांठ बांध लेनी चाहिए, और हम अगर दूसरा उपाय सोचते हैं तो फिर हमने देवकी की स्तुति तो सुनी ही नहीं, सुनी तो मानी नहीं। क्या करना है, कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम तो भगवान का चरणाश्रय, नहीं भी है प्रॉब्लम तो भी चरणाश्रय, क्योंकि जगत तो दुखाले है। देवकी कह रही हैं कि हे आद्य, हे सर्वजनक, मृत्यु से भयभीत सभी जीव आपके चरण कमलों की शरण लेकर भय मुक्त हो चुके हैं, उनकी मृत्यु भी हे गरुड़ासन आपके भय से दूर भाग चुकी है। मृत्यु रूपी सर्प पीछे पड़ा था ना, तो अब भगवान का नाम ले रही हैं गरुड़ासन, तो गरुड़ से तो सांप डरता है, मृत्यु रूपी सर्प भी डरेगा। परंतु आपकी भक्त होकर के भी, केवल बाकी सब लोग तो निश्चिंत हो गए आपका चरणाश्रय लेकर के, लेकिन आपकी भक्त होकर भी, आपके द्वारा माता के रूप में स्वीकार किए जाने पर भी, इस कंस से केवल मैं ही महाभय से विवल हो रही हूँ, केवल हम ही डरे हुए हैं, बाकी तो सब स्वस्थ सेते, सब तो सो रहे हैं मथुरा में, तो सबको योग माया ने गहरी नींद में सुला रखा है, स्वस्थ होकर के सब सो रहे हैं, मैं केवल महाभय से विफल हो रही हूँ। वास्तव में देवकी को अपने जीवन का कोई भय नहीं है, वे तो अगाध वात्सल्य रस के कारण, अगाध वात्सल्य के वशीभूत होकर के श्री कृष्ण के जीवन की रक्षा के लिए भयभीत हैं। सत्वम घोराद उग्र सेन आत्मजान त्राहि त्रस्तान भृत्य वित्रासहासी रूपम चेत पौरुषम ध्यान धिष्ण्यम मां प्रत्यक्षम मांस दृशाम कृषिष्ठा। सत्वम, समस्त दुखों को हरण करने वाले आप, घोरात उग्रसेन आत्मजात, देखने में भी भयंकर, कंस कैसा है देखने में भी भयंकर है, उग्रसेन आत्मजात, उग्रसेन का पुत्र, त्रस्तान नह त्राही, उससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं, भयभीत हैं, हम सब की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा क्यों, हम कैसे रक्षा करें, कहते हैं क्योंकि आप भृत्य वित्रास हा असी, आप तो फेमस हैं भृत्य वित्रास हा, भक्तों के विविध भय को हरण करने वाले हैं। इदम पौरुषम ध्यान धिष्ण्यम रूपम, इस परिदृश्यमान यानी जो ये रूप दिखाई दे रहा है, पौरुषम, पौरुषम माने महापुरुष के लक्षणों से युक्त चतुर्भुज रूप, ध्यान धिष्ण्यम रूपम, ये तो ध्यानास्पद रूप है, लोग ध्यान में आपके इस चतुर्भुज रूप को देखते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में है, योगी लोग ध्यान लगाते हैं तब जा करके आपको देखते हैं, और आप ऐसे बिल्कुल फ्रीली सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ये कहाँ ठीक है। ध्यान धिष्ण्यम रूपम, देवकी बड़ी ट्रिक से बात कर रही भगवान से कि आपका रूप कैसा है, ध्यान धिष्ण्यम, ध्यानास्पद है, और बड़े बड़े योगियों को ये दिखाई पड़ता है जो समाधि में स्थित होकर के दर्शन करते हैं, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, और मांस दृश्याम, जिनके मांस दृष्टि है, चर्म चक्षु हैं जिनके, प्रत्यक्ष मां कृषिष्ठा, उनके सामने अपने आप को प्रत्यक्ष मत करिए, उनको मत दिखाइए अपना ये रूप, वो ध्यान दृष्टि बने रहिए, है थोड़ा रिजर्व नेचर होना चाहिए ऐसे सबके सामने आप घूमते रहोगे क्या वैल्यू रहेगी। रक्षा करने के लिए वो हर तरह से बात कर रही कि कहीं से तो मान जाए, किसी एंगल से तो समझा दें इसको। ध्यान धिष्णम रूप को मांस दृश्याम के लिए आपने अवेलेबल कर दिया है, चर्म चक्षुओं के लिए ये मत करो, आपकी करुणा की बात क्या कहूँ, अभी करुणा ही है भगवान सबके लिए अपने आप को
दृश्यमान कर दें। तो आपकी करुणा की बात अधिक क्या कहूँ, आप जगत के पिता होकर भी हमारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जगन्नाथ हैं आप और मेरे पुत्र हो गए। हमारे सर्वांतःकरण से आपका चरणाश्रय नहीं करने पर भी हमने कोई पूर्ण रूप से, हम तो गृहस्थ, अभी शादी हो रही थी हमारी, अभी तो गृहस्थ में प्रवेश ही हुआ था, तो कहाँ पूर्ण रूप से चरणाश्रय है। हमारे सर्वांतःकरण से आपका चरणाश्रय नहीं करने पर भी आपने हमारी उपेक्षा नहीं की, इग्नोर नहीं किया आपने, आपने अपने गुणों से हमें माता पिता के रूप में अंगीकार किया है। हमारा कोई गुण नहीं है कि हम बड़े क्वालिफाइड थे कि हाँ अब तो भगवान मेरे पुत्र बनेंगे, अब हमने ये क्वालिफिकेशन गेन कर लिए। कोई भगवान का को पुत्र बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है क्या? हम में कोई क्वालिफिकेशन है, आपका गुण है भक्त वात्सल्य, उस गुण के वशीभूत होकर के आप मेरे पुत्र बन गए, हमको अंगीकार कर लिया आपने अपने माता के रूप में। अतः हमारी प्रार्थना है घोराद उग्रसेन आत्मजात नह त्राही। अब जब कर ही लिया है माता पिता के रूप में स्वीकार, तो हमारे भय को दूर कर दीजिए, आप तो निर्भय हैं, हमको भी निर्भय बनाइए। कंस महाहिंसक है, बिना कारण ही जीवों की हिंसा करता है। मेरे 6 बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा था, उनसे तो उसे कोई खतरा भी नहीं था, 8वें से खतरा था, फिर भी उसने उनका वध कर दिया। उसका नाम लेने से भी मुझे डर लगता है, इसीलिए उग्रसेन आत्मजात कह रही, कंस नहीं कह रही, उग्रसेन का पुत्र। उसके अत्याचार से हम कारागार में बंद हैं, उसके अत्याचार से आज हम पुत्र शोक से कातर हो रहे हैं। मेरा ये 8वां पुत्र एकमात्र जो बचा हुआ है, कैसे बचे? तो भगवान ने कहा, हे माता, मैं तो कंस आदि असुरों को मारने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूं, आने दो कंस को, यहां आने पर उसे अभी मार डालूंगा। 12 साल वहां जाके ब्रिज में लीला करूं, फिर उसके बाद फिर अक्रूर जी बुलाने आए, ये वो कुछ नहीं लीला होगी। तुम बस बोलो, अभी देखो मारता हूं इसको, यहां आने पर अभी मार डालूंगा, अपनी आंखों से देख लेना। परंतु वात्सल्य प्रेम कहां जाए, वात्सल्य प्रेम के कारण कंस के वध की असंभावना कर रहे हैं। असंभव है कंस को मार दोगे, तुम मार ही नहीं पाओगे, बल्कि उसके हृदय में कंस से ही अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका बढ़ रही है। कंस ही न कुछ हानि कर दे, एक खनोज भी ना लगा दे आपको, यही प्रतीत, यही होता है प्रेम का लक्षण। प्रेम में अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। तमाम लोग हवाई जहाजों में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, चल रही हैं सब। अपने घर से कोई जाता है, बेटा पहुंच के फोन कर देना, क्यों? अनिष्ट की आशंका मन में भरी है, ये प्रेम का लक्षण है। तो सांसारिक प्रेम में जब ये लक्षण है, तो फिर ये भगवान से संबंध में कितना अगाध प्रेम होता होगा। अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, अपने प्रिय की सुरक्षा की सदैव चिंता बनी रहती है। इसलिए महाभय से कांपती हुई सोचने लगी, हाय हाय, परमेश्वर होने के कारण ये हठी पुत्र हमारी बात नहीं मानेगा, ये अपना चतुर्भुज रूप नहीं छिपाएगा। अतः अपनी बात मनवाने की 4 नीतियाँ होती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। तो साम को अपनाती हूँ मैं, साम नीति के द्वारा अपना कर्तव्य, क्या कर्तव्य है इस समय देवकी का? कृष्ण की रक्षा। साम नीति के द्वारा इस कर्तव्य को निभाऊंगी। इस प्रकार सोचकर चतुर्भुज रूप को संवरण करने के लिए उन्होंने दूसरा तर्क प्रस्तुत किया। देवकी ने कहा, इदम पौरुषम ध्यान धिष्ण्यम रूपम मांस दृशाम प्रत्यक्षम मा कृषिष्ठा, कि ये ध्यानास्पद रूप है आपका,
अलौकिक रूप है, पौरुष रूप है, ये ज्ञान चक्षु विहीन मानवों के सामने ये प्रकट मत करो, इतनी तो बात मान लो, ये सामनीति है। चरम चक्षु वाला आपको ना देख पाए, जो भक्त हैं बस वही देख पाए, जो आपसे प्यार करते हैं उनको भले दिखाई दो, कोई दिक्कत नहीं हमको है, लेकिन चरम चक्षु वाले जो योग्यता विहीन है, जो आपसे ईर्ष्या करने वाले, उनको ना दिखाई दो। मेन चीज है कंस को ना दिखाई देना ये है मुद्दा। ज्ञान चक्षु विहीन मानवों के सामने प्रकट मत होइए, उन अज्ञानियों को अपने इस रूप का दर्शन न होने दीजिए। यद्यपि भगवान के अंतर्धान होने से कंस यह सोचकर देवकी को और अधिक सताएगा कि उसने अपने नवजात शिशु को कहीं छिपा दिया है, किंतु वे नहीं चाहती थी कि दिव्य बालक को सताया या मारा जाए। भगवान ने देवकी से कहा कि तुम ये नहीं सोच पा रही हो कि हम मान लो अंतर्धान हो गए तो कंस तो कहेगा कि इतने दिन से गर्भ धारण किए बैठी थी, अब कहाँ गया कहाँ छुपा दिया, तो और सताएगा तुमको। तो कहने लगे सताने दो, तुमको कोई कुछ ना कर पाए। ये है, बालक को ना सताया मारा जाए। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अंतर्ध्यान हो जाएं, चले जाओ यहाँ से, भगवान सामने आ जाए पुत्र रूप में। आदमी तो दर्शन कर करके अघाता नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। प्रेम में भगवान को कहा जा रहा है कि आप चले जाओ यहाँ से, ये भी प्रेम है। तो एक्शन से नहीं पता चलता है कि प्रेम क्या है। कोई भगवान से कहे भगवान आप यहाँ से जाइए, तो कोई लोग कहेंगे नास्तिक है क्या भगवान को जाने के लिए देवकी भी तो यही कह रही, अंदर की भावना क्या है वो मुख्य चीज़ है, उससे प्रेम प्रकट हो रहा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अंतर्ध्यान हो जाए, बाद में जब तुम्हें सताया जाएगा तो कह लेंगे तुम सुरक्षित रहोगे ना, तुमको ध्यान कर करके हम खुश रह लेंगे, तुम्हारे बारे में सोच सोच करके हम सारा कष्ट सहन कर लेंगे कि हाँ मेरा बेटा सही जगह सुरक्षित है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। जन्मते मय सौ पापो माँ विद्यान मधुसूदन समुद्विजय भवद्धेतो कंसाद अहम अधीर धीहि। मधुसूदन, हे मधु नाम के असुर घातक, असौ पाप हे पाप मति ये कंस, मई ते जन्म मा विद्यात, मेरे ग्रह में मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ इसको जानने ना पाए। पहले तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं ऐसे लोगों को दिखाई मत पड़िए जो अयोग्य हैं, जो प्रेमांजन रहित हैं। तो भगवान ने कहा नहीं दिखाई पड़ेंगे तो फिर तुम्हारे साथ समस्या खड़ी होगी, तुम्हारे ऊपर और अत्याचार करेगा। तो कहने लगे कम से कम इतना करो कि वो जान ही ना पाए, क्योंकि मत्ता स्मृति ज्ञान अवपोहनम च, आप तो स्मृति भी कंट्रोल कर लेते हो, इंद्रियों की सारी वृत्तियां पीछे कह चुकी हैं कि आपके कंट्रोल में रहती हैं। तो आप कुछ ऐसा करो कि कंस को ये ना पता चले कि आप मेरे बेटे हो, तब भी बचने की संभावना है। एक देवकी का आठवां पुत्र मारेगा ना, ये देवकी का आठवां पुत्र थोड़ी है। मई ते जन्म मा विद्यात, कौन असौ पाप, ये पापी नहीं ना जानने पाए कि आप मेरे बेटे हो। अधीर अधी अहम, मैं बहुत अधीर हो रही हूं, आप मेरे बेटे बन के आए हो ना, तो भय से व्याकुल चित्त वाली हो गई हूं मैं। भवद हेतो हो कंसात समुद्विजे, मैं आपके लिए ही कंस डर रही हूं। देवकी ने कृष्ण को मधुसूदन कहा, देवकी ने भगवान को मधुसूदन कहा, उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है जो कंस से लाखों गुना ज़्यादा बलशाली थे, तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कंस को मार पाएगा।
उनको बस यही डर लग रहा है कंस इसका वध कर देगा। भगवान की असीम शक्ति को न सोचकर वे स्नेहवश भगवान के विषय में सोच रही थी। भगवान की शक्ति को नहीं सोच रही हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, इनके रूप को कोई क्षति ना होने पाए। इसलिए उन्होंने बालक के, दिव्य बालक के अंतर्धान होने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, मैंने मधु नाम के दैत्य का संहार किया, तो मेरे लिए कंस को मारने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा, कितना प्रयास करना पड़ेगा, मैं उसे खेल खेल में मार दूंगा। तो कहते हैं, ऐसे मत सोचो, क्योंकि मधु दैत्य से यह कंस करोड़ों गुना अधिक बलशाली है। मधु को तुमने खेल खेल में मार दिया, इसको नहीं मार पाओगे। भवत हेतु कंसात समुद्विजे, मैं तुम्हारे लिए ही कंस से डर रही हूं। वह कंस मेरे अपराध की कल्पना करके मुझ पर भले अत्याचार करे, मारे, पीटे, बांधे, जो करना हो करे, परंतु मैं तो केवल आपके लिए डर रही हूं। तो पहले जो तुमने चार श्लोकों में इतना ईश्वर मेरा गाया, वो सब झूठ था कि प्रलय के बाद भी केवल आप ही शेष रहते हैं, और ये वो क्या क्या सब भूल गई और आप डर रही हो। तो कहते हैं, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी माता हूं ना, इसलिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है। माँ अपने सामने, अब वही पिछली बार जैसे हमने उदाहरण दिया था कि हर खेल एक नया खेल होता है, अब कुश्ती है, कोई भी जीत सकता है। तो अब इनको लग रहा है कि ठीक है, इतने असुर मारे थे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये पहली पराजय हो इसकी। आज तक तो नहीं हारा है, लेकिन हर कोई खिलाड़ी आज तक नहीं हारा होता है, कभी ना कभी तो हार जाता है। तो कहीं आज ही तो नहीं वो दिन आ जाएगा कंस के सामने। तो पहले तुमने जो ऐश्वर्य की बात कही थी, वो कह रहे हैं कि मैं माता हूं ना, तो मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है। तुम खेद मत करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मामाई का दोष हुआ है, ये मेरा ही दोष है। माता होने के कारण हमारे अंदर ये दोष आ गया है, तो हम क्या करें, चिंता हो रही है, डर लग रहा है। तुम अपनी माता के प्रति वात्सल्य के कारण अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपा लो। हमसे प्यार करते हो ना? हाँ, अवश्य। तो फिर अपनी माता पर दया करो, उसकी चिंता छोड़ दो, ये दया करो। हमको जो करेगा कंस, हम सब झेल लेंगे, तुम जाओ यहां से। मेरी जो उद्विग्नता है वो मेरे ही दोषों के कारण है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कि तुम लड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे ऐश्वर्य को हम कोई कम आकलन कर रहे हैं, नहीं, ये मातृत्व है, उसके कारण ये दोष आ ही गया है, अब हम क्या करें। तुम खेद मत करो, मेरा जो भी हो होने दो, परंतु अभी तुम इस रूप को तुरंत छिपा लो। फिर फाइनली आज कह रहे हैं, उपसंहर विश्वात्मन अधो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। प्रभुपाद जी ने छोटा सा बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है कि वसुदेव जी ने वचन दिया था कि सारे बेटे लाल आकर के देंगे, लेकिन अब उनकी नियत बदल चुकी है, कृष्ण को देख करके ये नहीं लेंगे। मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, मेरे निमित्त किया गया पाप भी धर्म है। भगवान की सुरक्षा के लिए पाप करने के लिए भी तैयार हो गए वसुदेव देव की, दोनों एग्री हैं आपस में, ये लड़का तो नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। विश्वात्मन, हे अखिल मूर्तिधर, हे विश्वव्यापी भगवान,
अदः शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम, ये जो आपका परिदृश्यमान रूप है जो दिखाई पड़ रहा है हमको वसुदेव जी को, शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों की शोभा से परिसेवित या अलंकृत। परिसेवित क्यों कह रहे हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म सब कोई जड़ पदार्थ से बने हुए नहीं है, ये भी चेतन है, इनमें भी चेतना है, ये सब सेवा कर रहे हैं भगवान की। हम लोग शंख बजाते हैं तो अपना एफर्ट लगाते हैं, बजाते हैं, भूकते हैं, उन्होंने शंख मुंह पे लगाया, शंख ने सेवा चालू की। भगवान के होंठ पे शंख लगाते ही शंख लाल हो जाता है शर्म से, होंठों का स्पर्श पाते ही पांच जन्य का कलर ही चेंज हो जाता है। और जो भगवान का चक्र है वो भी आज्ञा से चलता है, सेवा करता है। दुर्वासा मुनि के पीछे साल भर तक लगा रहा और राहु को क्षण भर में वो गले के तो भी निगल भी नहीं पाया, तो इतनी देर में अगर दुर्वासा के पीछे चला दिया होते तो नहीं, इसको दौड़ाना है। आज्ञा से चलता है, इसको एक साल तक दौड़ाना, इसको दूर से तपाते रहना, भागता रहे, तपिश देते रहना ताकि भागता रहे, बस डरता रहे भागता रहे। भक्त को सताया ना, इसलिए इसको थोड़ा सता लो, ये यथा माम प्रबल। ये सताने के भाव से आया था, अब इसको सताना, वरना क्या था, घूंट निकलने का टाइम ना देते। सुदर्शन तो आज्ञाकारी है, परिसेविता, इन सब आयुधों से सेवित हैं भगवान, ये सब सेवा कर रहे हैं भगवान की, इनका सौभाग्य। अदा शंख चक्र गदा पद्म श्रिया, श्रिया माने परिसेवित, जुष्टम, जुष्टम माने परिसेवित, श्रिया माने उसकी शोभा, अलौकिक, अलौकिक माने लोकातीत, लोक में ऐसा कहीं नहीं है, लोकातीत रूप है आपका। चतुर्भुजम, चतुर्भुज स्वरूप विशिष्ट, उपसंहार, इसका उपसंहार कर दीजिए, बस बेंड करिए इसको, हो गया बहुत, अब इतना ही ज्ञान आप दे रहे हैं तो उतना तो हमने सब ले लिया, अब कुछ बचा बचा नहीं, अब उपसंहार करिए आप, अब हम क्या कहें इसके आगे, हम तो वैसे ही अज्ञ हैं, अब आप कुछ बता ही नहीं रहे कैसे आपको कंट्रोल, उन्हीं से पूछ रहे हैं कैसे आपको कंट्रोल करें, वो खुद ही बता रहे हैं कि हमको ऐसे कंट्रोल करो, तो श्लोक तो खुद ही बता रहे हैं, उसी से कंट्रोल हो भी जा रहे हैं। हे विश्वात्मन, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित अपना यह अलौकिक चतुर्भुज रूप संवरण कर लीजिए, आप विश्व के अंतर्यामी हैं और मैं भी विश्व के भीतर ही हूं, मैं कोई विश्व से अलग तो हूं नहीं, आप विश्वम्भर हैं, हम विश्व के अंदर हैं, आप मेरा भी भरण कीजिए, हमको डर लग रहा है, दूर करिए, संवरण कीजिए रूप। तो आप प्रत्येक जीव के हृदय में हैं, तो मेरे हृदय में भी हैं, और मेरे हृदय में वर्तमान रहकर भी केवल मेरे चित्त को चंचल क्यों बना रहे हैं, उसमें भय क्यों उत्पन्न कर रहे हैं आप, ये आपका दोष है। अब देखिए, अब माता आ गई पूरे फॉर्म पे, ये आपका दोष है, क्या यह आपका असंगत कार्य नहीं है, कैसे करना चाहिए, आप जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, आपके भक्त सब निर्भय हो गए, स्वस्थ शेते सब मथुरा में सो रहे हैं आराम से, मेरे के सामने आप खड़े हुए हो, मेरे हृदय में बैठे हुए हो और मैं डरती रहूं ऐसे, ये असंगत कार्य नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा दोष है, ठीक करो अपना, चलो मैं हमको दो भय से रहित बनाओ, ये है। और पहले स्तुति करके उनको प्रसन्न कर लिया है, और प्रसन्न जब जब हम संबंध गहरा हो गया तो अब चाहे जैसे बोलो। अलौकिकम, अब शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित इस अलौकिक चतुर्भुज रूप को छिपा लें, लौकिक नर बालक का रूप धारण करने पर मैं आपको अनायास ही किसी जगह छिपा दूंगी।
नर बालक हो जाएंगे तो मैं कुछ कोशिश कर पाऊंगी, उसके लिए हमको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, हम छुपा लेंगे, अनायास छिपा लूँगी। देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी, वे अन्य बालकों की तरह इसे कंस को सौंपना नहीं चाहती थी, यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे हर बालक को कंस को दे देंगे, परंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे, किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। ये पति पत्नी का तालमेल देखिए, आपस में कोई बात नहीं हुई है भगवान के आने के बाद, है ना? अरे अरे ये क्या कह रही हो, हमने तो कहा था कंस को कि आठों लड़के देंगे और तुम मना कर रही हो कि नहीं छिपा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा वचन टूट जाएगा, पाप लग जाएगा, कुछ नहीं। एग्री हैं? वो भी कोई पूछ के नहीं कह रहे हैं भगवान से कि हाँ ठीक उनको छुपा लें कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग। विश्वम यदेता स्वतनौ निशान्ते यथावकाशम पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोयम् मम गर्भगो भूत अहो निर्लोकस्य विडम्बनम् हितत्। परः पुरुष भवान्, महत् सृष्टा रूप, परः पुरुष ये महान सृष्टि करने वाले, रोम छिद्रों से ब्रह्मांड उत्सर्जित करने वाले, श्वास से ब्रह्मांड निकालने वाले महत् सृष्टा रूप पुरुषोत्तम दिव्य भगवान, आप निशान्ते, निशान्ते माने प्रलय के अवसान में, निशा माने प्रलय, और प्रलय के समाप्त होने पर यानी संहार के समय, यत एतत् विश्वम, जो शास्त्र में उद्दिष्ट है, यत और एतत, और जो साक्षात दिखाई दे रहा है उसमें कोई मतभेद नहीं है, जैसा शास्त्र में था वैसा ही सामने है। विश्वम अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वरूप जगत को यथा अवकाशम स्वतनौ बिभर्ति, निसंकोच रूप में आप अपने विराट देह में धारण करते हैं। सो अयम मम गर्भगह अभूत, वही आप मेरे गर्भगह हो गए, मेरे गर्भ में आ गए। अहो तत् निर्लोकस्य विडम्बनम ही, जन्म रहित आपका ऐसा जन्म, आप कैसे हैं जन्म रहित, आद्यम, तो जन्म रहित का जन्म, इस पर तो लोग हंसेंगे, अजन्मा ने जन्म ले लिया, अच्छा तुम्हारे गर्भ से लिया था, वाह क्या तो देवकी है, झूठ बोलने में इससे बढ़कर कोई है ही नहीं, ऐसे लोग बोलेंगे। निर्लोकस्य विडम्बनम, लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि भगवान को कोई जन्म दे रहा हो, और फिर यहां भी कोई देख ही नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, हम जेल के बाहर होते तो 50 औरतें आई होती देखती, हॉस्पिटल में नर्सें वर्सें देखती कि हाँ ये चार भुजा वाला पैदा हुआ है इसके गर्भ से, तब भी कोई मानता, हम जेल में पैदा हुए अब बाहर ले जाके दिखाएं सबको कि हाँ देखो ये चार हाथ लाया है, कोई नहीं मानेगा, विडम्बनम होगा बस, और कुछ नहीं होने वाला है। विडम्बनम ही तत् निर्लोकस्य, निर्लोक है ना ये, आपको ऐसा अलौकिक रूप छिपाने के लिए क्यों कह रहे हूँ सुनिए। आप परम पुरुष हैं, प्रलय काल में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने देह में स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, वही विष्णु रूपी आज मेरे गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। अहो यह मनुष्यों के लिए असंभव होने के कारण अत्यंत उपहास का विषय है। क्यों उपहास करता है कोई मनुष्य किसी बात का? क्योंकि उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। हाँ इसने कर लिया, कोई कहे हमने हाथी एक उंगली पे उठा लिया तो कहेंगे हाथी उठा लिया, समझ जाएंगे, क्योंकि खुद नहीं उठा पा रहा है, और गोवर्धन उठा लिया तो और हैरान हो जाएगा। तो मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। श्री कृष्ण ने देवकी से कहा,
तुम मेरे इस रूप को इतनी बार कह चुकी हो, छिपा लो छिपा लो छिपा लो, बार बार ही काहे पीछे पड़ी। तुम मेरे इस रूप को छिपाने की बात क्यों कर रही हो? मुझ परमेश्वर को पुत्र रूप में पाने से तुम्हारी महान प्रतिष्ठा होगी। कितना लो, अरे भगवान की माता आइए आइए आइए, सब स्वागत करेंगे, है ना, तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा होगी। तो देवकी मैया ने कहा, मैं प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखती हूँ, मान प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। देवकी मैया को कृष्ण की सुरक्षा चाहिए बस, हमको सम्मान मिलेगा कि मैं भगवान की माता हूँ नहीं चाहिए। यही इस श्लोक में कह रही है, विश्वम यदेव मम गर्भगो अभूत अहो निर्लोक से विडम्बनम हित। इससे मेरा मजाक उड़ेगा, तुम सोच रहे हो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काहे की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई मानेगा ही नहीं। और प्रतिष्ठा बढ़े न बढ़े मैं आशा ही नहीं करती हूं कि मुझे प्रतिष्ठा चाहिए ही नहीं। मैं प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखती हूं, देखिए कितनी बड़ी बात है, इससे बढ़कर कोई प्रतिष्ठा हो सकती है किसी स्त्री के लिए? कृष्ण उसका पुत्र बन जाए नहीं चाहिए, कृष्ण खुश रहे बस ये चाहिए, पुत्र बने चाहे ना बने। बल्कि पुत्र बनने के कारण सारी चिंता है कि आठवां मेरा आ गया है, सारी चिंता का कारण ये है कि पुत्र हो गया है मेरा। मैं प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखती हूं, इसी बात को कृष्ण को समझाने के लिए अलग श्लोक कह रही है। निशांते प्रलय के अंत में आप इस विश्व को अपने शरीर रूपी मंदिर में निस्संकोच धारण करते हैं, शरीर रूपी मंदिर में भगवान जहाँ चले जाएं वही मंदिर हो जाता है। तो भगवान खुद क्या है, उनके अंदर कोई चीज चली जाए तो वो तो पूरा मंदिर ही है। ऐसे आपने मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण किया है, यह मनुष्य लोक के लिए विडंबना मात्र है, उनके लिए असंभव है इसलिए वो हंसते हैं। इसलिए ऐसे अलौकिक पुत्र के द्वारा मेरी प्रतिष्ठा तो दूर रहे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, पड़ोसी लोग कहेंगे अरे मूर्ख देवकी, अनंत करोड़ ब्रह्मांड के आधार स्वरूप, अनंत करोड़ ब्रह्मांड के आधार स्वरूप भगवान तुम्हारी जैसी मानवी के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। यह कहने में या ऐसा सोचने में भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आ रही है, ऐसी बात कर रही हो? अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी मेरे गर्भ से पैदा हुआ, इतनी गर्वीली हो गई तुम? इस प्रकार लोग कितना उपहास करेंगे, इससे बल्कि मेरी जो प्रतिष्ठा है वो भी मारी जाएगी, जो अभी तक वो भी चली जाएगी। इसलिए अब तुम इस रूप को छुपा लो, बस बात खत्म करो, प्रतिष्ठा बढ़ेगी बता रहे हो। कुछ नहीं बढ़ेगी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हमको चाहिए भी नहीं, हमको बढ़ानी भी नहीं है और बढ़ेगी भी नहीं, दोनों बातें समझ लो। ये है कंट्रोल माता का, अब स्थितियां बहुत हो गई, अब नियंत्रण चालू हुआ है। यहां एक प्रश्न उठता है कि परब्रह्म मूर्ति श्री भगवान का साक्षात अनुभव करने वाले कोई नहीं है, वसुदेव देवकी हैं, सामने भगवान खड़े हैं कंस की जेल में, पहरेदार भी सो रहे हैं, पूरा मथुरा सो रहा है, खाली दो लोग जग रहे हैं और तीसरे भगवान सामने खड़े हैं। साक्षात अनुभव करने वाले देवकी और वसुदेव, पर ब्रह्म मूर्ति श्री भगवान का साक्षात अनुभव करने वाले देवकी और वसुदेव के हृदय में भी अविद्या जनित भय और शोक आदि किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? तो इसका उत्तर है कि देवकी वसुदेव के हृदय में अविद्या जनित भय शोक कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। भय और शोक अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ करता है इस संसार में,
लेकिन प्रभुपाद जी ने तो अपने तात्पर्य में कह दिया कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान सम्मति ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाता है वो तीनों गुणों को पार कर जाता है, और फिर ये तो पार्षद है, ये तो नित्य माता पिता है, ये कहाँ से जो है तीन गुणों के अंतर्गत आएंगे, जो अविद्या के कारण इनके अंदर भय आएगा, शोक आएगा, संभव ही नहीं है। तो उत्तर तो है सीधा सीधा नहीं। वे तो जब वो मटेरियल एनर्जी के अंडर में नहीं है तो फिर किस एनर्जी के अंडर में है? अंतरंगा शक्ति के आश्रित हैं दोनों, और अंतरंगा शक्ति तो बहिरंगा विद्या या बहिरंगा अविद्या इन दोनों के द्वारा कभी पराभूत या पराजित नहीं होती। ये अंतरंगा के अंडर में थे लेकिन अभी तो भय और शोक हो रहा है ना, और जो सुना पढ़ा गया कि ये तो अविद्या के कारण होता है, तो अंतरंगा शक्ति की क्वालिटी बताई जा रही है। अंतरंगा शक्ति कभी भी बहिरंगा द्वारा पराजित नहीं होती। अब बहिरंगा दो तरह की होती है, एक विद्या माया एक अविद्या माया। लेकिन भगवान को न तो, या भक्तों को जो अंतरंगा के अंडर में हैं, उस अंतरंगा शक्ति को न तो कभी अविद्या माया पराजित कर सकती है, पराभूत कर सकती है, कवर कर सकती है, और न ही विद्या माया। माया दो प्रकार की, विद्या माया अविद्या माया। अविद्या माया क्या है? अविद्या माया है रजोगुण तमोगुण। इसमें पढ़ करके तो आदमी पूरा अविद्या में रहता है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं हो पाती है। तमोगुण में तो ज्ञान ही नहीं होता, वो अज्ञान को ज्ञान समझता है और ज्ञान को अज्ञान समझता है। तमोगुणी ज्ञान क्या है? नहीं, हाँ, तमोगुणी ज्ञान जो है वो उल्टा समझता है, ज्ञान को अज्ञान, अज्ञान को ज्ञान, ठीक है, उल्टी बुद्धि है उसकी। और रजोगुणी, रजोगुणी कन्फ्यूज्ड है, हमको नहीं पता भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक है, कुछ पता ही नहीं है, कन्फ्यूज्ड, आधा अधूरा ज्ञान है उसके पास, नीम हकीम खतरे जान, ये उसकी हालत है। तो रजोगुणी तमोगुणी जो होते हैं उनके पास या तो नॉलेज होती नहीं है या तो क्लियर नॉलेज नहीं होती है, कन्फ्यूज्ड होते हैं। तो ये हो गई अविद्या माया। और विद्या माया क्या है? जब जीव सतोगुण में है तब भी ज्ञान की उपाधियों से बंधा है, सुख से बंधा है, ये दो चीज़ों से तब भी बंधा है, ठीक है। अब जो जंजीर है वो चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, यही है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अलग अलग मेटल की जंजीर है बस, है तो जंजीर ही, तो बंधा तो है ही है। तो ये जो अविद्या माया है ये तो ज्ञान से चली जाती है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस जगत में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान के द्वारा अविद्या माया रजोगुण तमोगुण तो चला जाएगा, परंतु ये जो सतोगुण है उसका जो बंधन है उपाधियों वाला, ज्ञान की उपाधि और सुख से बंधन, ये बिना भक्ति के नहीं जाता, इसके लिए तो भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए भागवत में कहा गया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र तो तीनों ही हैं सतो रजो तमो, लेकिन नष्ट प्राय हो जाएगा। नष्ट प्राय माने अभी सतोगुण बाकी रह गया, रजो तमो गया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु कैसे गया? नित्यम भागवत से गया। ये सुंदर सुंदर कथाएं, देव की माता की स्तुति और ये वो सुनाया जाएगा, जब भगवान की लीलाएं, तो ये जो अभद्र है ये सब चला जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से गया, फिर क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके, भगवान में, भगवती माने भगवान में, कैसे भगवान? जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है,
चुने चुने शब्दों से जिसका वर्णन किया जाता है, उत्तम श्लोक भगवान, उनमें भक्तिर भवती नैष्ठिकी, उसमें नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है, अनन्य भक्ति स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो भक्ति तो अब स्थापित हुई, पहले क्या किया, नित्यम भागवत से होया, उससे क्या हुआ, रजोगुण तमोगुण गया, सत्वगुण अभी बाकी है, लेकिन अभी पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, अब बिना रजोगुण तमोगुण के पढ़ा जाएगा वही भागवत, अब सत्वगुण भी चला जाएगा, क्रम से प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। तो इसके आगे क्या कहा भागवत में, ये दूसरे अध्याय का 18, 19, 20, 21 ये चार श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय। तदा जब भक्तिर भवती नैष्ठिकी हो गई, अनन्य भक्ति में आ गया जीव, तदा रजस तमो भावा, रजा रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं, क्या हैं भाव, काम और लोभ, काम लोभादयश्च चेत एतैर नाविध्यम, ये चित्त को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्थितम सत्वे, अभी देखिए अभी सतोगुण बाकी है ना, स्थितम सत्वे प्रसीदति, सतोगुण में स्थित रह करके प्रसन्न रहेगा। अब प्रसन्न रहेगा, अब सतोगुण में आ गया और प्रसन्न भी है, और उस प्रसन्नता तक कौन लाया, भागवत लाई, तो भागवत कैसे छोड़ेंगे, लगा हुआ है भागवत में, भागवत नहीं तो हमको इस प्रसन्नता के स्तर तक लाया, नहीं तो हमको रजोतमो परेशान कर रहे थे, निद्रा देवी कहती थी और सो जाओ, क्या भागवत पढ़ोगे, थोड़ा और सो लो, क्या मंगल आरती में उठना है, क्या जब और 16 हो गई ना, वहां टांग दो, ये है माया, रजोगुण तमोगुण, ये हमको इस प्रकार से करते हैं, ड्यूटी हो गई पूरी, प्रभुपाद ने मिनिमम 16 कहा है तो मिनिमम तो कर ही लिया, आज्ञा पालन तो हो ही गया, वो तो आज्ञा पालन था, इसके आगे आपका इंटरेस्ट क्या है, आप अपना इंटरेस्ट भी तो शो करो, ये वो तो आज्ञा थी बस। तो अब एवं प्रसन्न मनसो, अब जीव प्रसन्न मन में है, भगवत भक्ति योगतः, और फिर भक्ति योग में लगा हुआ है, 16 माला होने के बाद उसको प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि वाह कितना आनंद आ रहा है भगवान का नाम लेने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेट इट बी कंटिन्यू, करते रहो कृष्ण राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, अब प्रसन्न मन से भगवत भक्ति में लगा है, तो भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जायते, अब उसको भगवत तत्व विज्ञान समझ में आएगा, जो भगवान ने कहा ना भक्त्या माम अभी जानाति, ये है असली भक्त, जो स्थितम सत्वे प्रसीदति, जब सत्वगुण में स्थित होकर के मन प्रसन्न रहे तब भगवत भक्ति होती है असली, और तब भगवत तत्व प्रकाशित होता है, और सत्वगुण में रह करके प्रसन्न रहना कोई आसान काम नहीं है, सत्वगुण में रह के प्रसन्न रहना माने सुबह 3 बजे उठ करके खुश रहना कि वाह आज तो हम 3 बजे उठ गए, और ठंडे पानी से बढ़िया नहा धोकर के एकदम तैयार, एवं प्रसन्न मनसो, सत्वगुण में प्रसन्न स्थितम सत्वे प्रसीदति, इसको समझने की कोशिश आज करिए, तब भगवत भक्ति योग्यता है, और तब भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते। अगर उठने में कष्ट हो रहा है, अलार्म हमने पॉज कर दिया, इसका मतलब कि हमें तमोगुण में सुख मिल रहा है, इस सतोगुण में कहां सुखी हो रहे हैं, स्थितम तमे प्रसीदति, तमोगुण में हम प्रसन्न हो रहे हैं ना, आंख खुल गई है, अलार्म हम ही ने सेट किया था, लेकिन वो संकल्प शक्ति नहीं है कि उठ जाए, उसको स्नूज पे स्नूज एक बार दो बार तीन बार कर रहे हैं,
ये स्थितम सत्व प्रसिद्धति नहीं है, इसको भगवत तत्व विज्ञान समझ में आएगा नहीं। जिसको उस रूटीन में आनंद है वही व्यक्ति भगवान को समझेगा। तो 3 बजे उठ करके मतलब शैया को बिल्कुल त्याग देना है, शैया त्याग, ये नहीं कि कसर मसर कर रहे हैं उसी में बैठे हैं लेके रजाई मुंह तक डाल के, ये सब नहीं। और ठंडे पानी से नहा करके और मंगल आरती करना, ठीक है ठंडा किसी को सूट नहीं कर रहा है तो जैसे भी नहाए, लेकिन गर्म पानी सिर में डालने से तो कफ बढ़ता है, इसलिए गर्म पानी नहीं, और कफ से तमोगुण बढ़ जाता है, फिर अल्टीमेटली फिर वही तमोगुण में फिर से आ जाएगा। तो दूसरी बात, एक तो ये हो गया, चलो वही सुबह सुबह शैया त्याग दिया, आपने कहा चलो हमने कर दिया, अब किसी कहने पे कर दिया तो वो हृदय का आनंद थोड़ी प्रसिद्धति थोड़ी है। लेकिन उस रूटीन में बहुत दिनों तक कोई रहेगा और भगवान का नाम जपेगा तब तो उसके अंदर वो प्रसिद्धति आएगा ना। उसके बाद खाना कैसा खाना है, कहें जो कड़ुआ है वो तो रजोगुणी है, कटु और अम्ल यानी खट्टा वो भी रजोगुणी है, कटु अम्ल और ज़्यादा नमक वाला वो भी रजोगुणी है, कटु अम्ल लवण, फिर बहुत गरम गरम है अति उष्ण, ये लीजिए गरम गरम पूड़ी रजोगुणी है, ये रजोगुण है। और स्थितम रजवे प्रसिद्धति, तो रजोगुण गरम पूड़ी से जो खुश हो रहा है वो रजोगुणी है, जैसे भी है ठीक है, प्रसाद मिल गया ना उस हो गया आनंद। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, तो गरम से प्रसन्न होने का मतलब है, और गरम गरम डिवोटी सर्व कर रहे हैं लीजिए गरम गरम, इसका मतलब वो भी रजोगुणी है जो दे रहा है वो सर्व करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है, रजोगुणी व्यक्ति को सर्विस पे लगा दिया, गरम गरम पूरी एडवर्टाइज कर रहा है। स्थितम सत्य, न कड़वा न खट्टा, सब नींबू ये वो सब सब छुड़ा दिया, और उसके बाद प्रसिद्धति, उस सादे भोजन में एकदम प्रसन्न चित्त है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, कटु अम्ल लवण अति उष्ण अतीक्ष्ण तीखा और रूक्ष रूखा, हाँ सूखी सब्जी खूब भून डाली एकदम, उसका पानी पूरा निकाल दिया उसमें कुछ भी वाटर कंटेंट बचा ही नहीं, ना उसके अंदर कोई विटामिन बच गया, बस केवल स्वाद रह गया, और अब वो प्रसिद्धति और रजोगुणी है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, उसके बाद भगवत भगवत भक्ति योग्यता, तब भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघस्य जायते, ठीक है। तो अभद्र नाश हुआ ही नहीं इसका मतलब, तभी तो रजोगुण तमोगुण में हम प्रसन्न हो रहे हैं, गरम पूड़ी मसालेदार ये वो चक्कर में पड़े हुए हैं अभी तक, फिर चाहे वो विदाई ना जला डाले अंदर तक है ना, उसकी एंट्री से लेकर के और एग्जिट तक जलता रहे आदमी लेकिन स्वाद चाहिए, ये ठीक नहीं है। स्टार्टिंग टू एंड, तो जब सत्वगुण में स्थित होकर प्रसन्न मन से भगवत भक्ति की जाती है तो भगवत तत्व प्रकाशित होता है, ये बहुत बड़ा एक ये चाबी है समझ लीजिए, आध्यात्मिक जगत का दरवाजा खोलने की, भगवत तत्व विज्ञान को समझने की। सत्वगुण में रहकर प्रसन्न रहना भी बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। अच्छा ये हो गई खाने की बात, उसके बाद क्रोध नहीं करना, क्रोध क्या है कौन सा गुण है, तमोगुण है। डिजायर करना रजोगुण है, और डिजायर पूरी नहीं हुई तो किसी न किसी पे तो क्रोध निकालना ही है कि इसकी वजह से मेरी डिजायर रह गई, तो बस उसके ऊपर क्रोध, और क्रोध में कहिए कि आजीवन संबंध खत्म करके बैठ जाए कि इसकी वजह से ये हो गया, फंस गया पूरा जिंदगी खराब हो गई उसकी। एक भी व्यक्ति के प्रति अगर मन में राग और द्वेष रह गया तो हमको यहीं आना पड़ेगा, एक भी व्यक्ति के प्रति लेश मात्र भी तिल भर भी अगर हमारे अंदर राग द्वेष रह गया, जड़ भरत की कथा सबको मालूम है, भरत महाराज की हिरण में उसके प्रोटेक्शन को लेकर के वो आसक्ति हो गई,
कि उसकी सुरक्षा कैसे, अपनी कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं थी, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए, अंत में फंस गया संसार। घर द्वार राजपाट सब मल की तरह छोड़ दिया, जैसे आदमी मल करके वो फ्लैश चला देता है, कोई मतलब नहीं उससे, मल से कोई मतलब रखता है, वैसे छोड़ दिया राज्य परिवार, लेकिन जंगल में आकर के और हिरण में आ सकते हो, लेश मात्र भी न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। तो क्रोध नहीं करना तभी, और क्रोध नहीं किया हमने किसी पर, किसी ने बहुत हमको उकसाया, हमने क्रोध नहीं किया और हम प्रसन्न रहे। लोग कहेंगे कायर है, ये है वो है, कुछ बोल सकता था, क्यों नहीं बोले तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तो हम ही जा रहे हैं ये सब लोग बोलते हैं उकसाने के लिए। नहीं, वो स्थितम सत्व प्रसिद्ध आती है, हमने कुछ नहीं कहा, बस हम ठीक है, भजन करो आराम से, फालतू की बातें नहीं करना, प्रजल्प कर्म में आसक्त नहीं होना, ये सब। तो इस प्रकार सब कुछ कोई कर भी रहे और खुश भी रहे, दोनों कॉम्बिनेशन जहाँ जिसका बैठ गया, और उसके बाद भगवत भक्ति में लग जाए तो भगवत तत्व विज्ञान सुलभ हो जाएगा उसके लिए। ये सूत गोस्वामी का कहना है, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय, दिव्यता और दिव्य सेवा। तो वसुदेव और देव की अंतरंगा शक्ति के अधीन है, ऐसी अंतरंगा शक्ति का जो सार है, सार तत्व है, वो है प्रेम। जैसे बहिरंगा शक्ति का सार क्या है, बंधन, भौतिक जगत में बंधन, और अंतरंगा शक्ति का सार क्या है, कृष्ण से प्रेम। भगवत प्रेम, तो ये जो देवकी वसुदेव के हृदय में शोक और मोह आदि हैं, वो उसी प्रेम का विलास है, एक्सपेंशन है उसी प्रेम का। यही प्रेम कभी भी अविद्या जनित नहीं है और कभी निंदनीय नहीं है। ये जो देवकी का भय है वो सराहनीय है, वो निंदनीय नहीं है भय। तो आप कह रहे हो ये प्रेम है, और प्रेम में भय भी हो रहा है, संसार में भी ऐसा ही होता है, प्रेम होता है तो भय भी होता है, और आप कह रहे हो कि ये जो प्रेम है ये मायातीत है, तो क्या प्रूफ है कि ये मायातीत है? प्रूफ ये है कि भगवान इस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, जो कि अभी हम देखने वाले हैं फ्यूचर में। अगर ये सांसारिक होता, अगर ये मायिक होता भय देवकी का, तो भगवान कभी भी उसके वशीभूत नहीं हुए होते, भगवान कंट्रोल में आने वाले हैं। और यशोदा ने तो कर ही लिया था, तो सब अभी पूरा एक महीना गा के बैठे हैं सब लोग, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, कराम भोज युग्मेन, दोनों हाथों से आंखें मसल रहे हैं, आतंक नेत्रम, नेत्र कैसे हैं, डरे हुए बिल्कुल, छड़ी देखकर, छड़ी पे निगाह है, मुंह श्वास कंप, मुंह से सांस ले रहे हैं, उसमें सिसकियां भर रहे हैं ऐसे, और गले में त्रिरेखा है जैसे शंख में लाइनें होती हैं, और उस पर जो आभूषण धारण किए हुए हैं वो कांप रहे हैं, त्रिरेखांक कंठ स्थित, त्रिरेखा से युक्त कंठ में जो स्थित आभूषण है वो सब कंपित हो रहे हैं, मुंह की श्वास जो चल रही है उस श्वास के कंपन से वो गहने सब कंपित हो रहे हैं, मुंह श्वास कंप, त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, ये भक्ति से बंध गए, प्रेम से बंध गए, इसका मतलब ये प्रेम लौकिक तो है ही नहीं, ये मायातीत है। यदि प्रेम मायामय होता
तो भगवान भी माया के भसीभूत सिद्ध हो जाते कि हाँ ये प्रेम मायामय था और भगवान भी इसके वशीभूत हो गए, इसका मतलब भगवान माया के कंट्रोल में है। तो फिर भगवान कौन है? तो फिर भगवान तो माया है, जो लोग सोच रहे हैं संसार में। चलो बुलावा आया है। माता ही बुलाती, पिता का भी बुलाता ही नहीं है। प्रेम मायातीत है, इसका प्रमाण दे दिया चक्रवर्ती पाद ने। प्रेम यदि मायामय होता तो भगवान वशीभूत ना हुए होते। गीता में भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान ने साफ गीता में कह दिया है क्या, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने दिखता ही नहीं हूं, वशीभूत क्या करेगा कोई? कोई दिखेगा तब तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, दिखता ही नहीं हूं मैं ऐसे लोगों को। यही देवकी ने कहा कि आप तो ध्यान में अवस्थित योगियों के दिखाई देते हैं, आप ये सबके सामने, चर्म चक्षुओं के सामने, अयोग्य लोगों के सामने मत दिखाई पड़िए। भगवान कहते भक्त्या माम अभी जाना थी यावन यशस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञातः विशते तदनंतरम। मैं स्वरूपतः जैसा हूं उस रूप में ज्ञानी व्यक्ति मुझे भक्ति द्वारा ही जान पाते हैं। स्वरूपता जैसा हूँ, स्वरूपता मैं कैसा हूँ, भगवान हूँ ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, स्वरूपता मैं ऐसा हूँ। और तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान रखते हैं, वो जब तक भक्ति नहीं करते हैं तब तक मेरे इस रूप को ही नहीं देख पाते हैं। पहले तो ज्ञानी होना जरूरी है कि भगवान का कैसे हैं, भगवान सबके कंट्रोलर हैं, शिव ब्रह्मा आदि सबको कंट्रोल में रखते हैं, इतनी नॉलेज हो। और नॉलेज होने के बाद फिर उनकी भक्ति में लगे, तब जा करके मेरे इस रूप को कोई देख पाए। कंट्रोल की तो बात ही बहुत दूर की है। और उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त्या अहम एकयाग्राह्य, 11वें स्कंद में, मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ग्रहणीय होता हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन सभी वाक्यों से स्पष्ट है कि उनका स्वरूप भक्ति के द्वारा ही जाना जाता है। तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हिंट दिया कि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गुणी भूता, प्रधानी भूता और केवला, ये तीन प्रकार की भक्ति है। तो गुणी भूता भक्ति, कर्मी ज्ञानी और योगी जन इसको प्रधान रूप से ग्रहण नहीं करते, अपना कर्म में लगे रहते हैं, दो मिनट अगरबत्ती घुमा दिया बस उनकी भक्ति हो गई। रखे हुए हैं, भगवान को बिठा रखा है दुकान पे, छोटा सा इतना सा बना के, बाकी पूरी दुकान में माल भरा है, और अगरबत्ती सुबह सुबह हो जाती है, हो गई भक्ति। तो गुणी भूता भक्ति, ज्ञानी मन में लक्ष्य रखे हुए हमको मुक्त होना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को खुश करना है, ये सब नहीं। अब मुक्ति, कोई भी ज्ञान हो चाहे कर्म हो, वो फल तब तक नहीं देता जब तक भक्ति का मिश्रण ना हो, इसलिए भक्ति कर लो भाई। प्रधान रूप से भक्ति को नहीं उन्होंने चुन रखा है, कर्मी ज्ञानी और योगी जन प्रधान रूप से भक्ति को ग्रहण नहीं करते, वे कर्म ज्ञान और योग को ही अधिक महत्व देते हैं। तो ऐसी जो भक्ति है, भक्ति को वैसे भक्तिस्वामी सिंधु में कहा है कि स्वतंत्रा, परम स्वतंत्रा, ये परम स्वतंत्र है। लेकिन ये जो भक्ति है ये तो बड़ी शिथिल भक्ति है, इसमें है ही क्या है, तुम प्रधानता तो दे ही नहीं रहे भक्ति को, तो ये अस्वतंत्रा है, ये स्वतंत्र नहीं है, इसको तुमने वेटेज ही नहीं दिया है। दूसरी जो है प्रधानी भूता, इसको भी गौण मानते हैं, गौण माने ज़्यादा वेट नहीं दिया जाता है, इसको भी हल्के हल्के में काउंट होता है। मिश्रिता भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति या कर्म मिश्रित भक्ति, मिलावट है इसमें कर्म ज्ञान की। और तीसरी है केवला, केवला माने नाम से स्पष्ट है, केवल भक्ति और कुछ नहीं।
यह कर्म ज्ञान आदि के द्वारा मिश्रित नहीं होती, जिसको रूप गोस्वामी ने कहा कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसका कोई कवरिंग नहीं है जिसके ऊपर, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्धा भक्ति भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति, कई नाम है इसके। और ये तीनों प्रकार की भक्ति का फल भी अलग अलग होता है। तो जो गुणी भूता भक्ति है, जो थोड़ा बहुत करता रहता है, कर्म है तो कर्म कर रहा है तो कर्म योग भी कर देता है, कभी भगवान के मंदिर में सेवा कर देता है, दान कर देता है, ये सब चलता रहता है उसका। इसका जो फल है वो ज्ञान होता है। अगर वो भी ढंग से करे कोई गुणी भूता भक्ति, तो भी एक नॉलेज के लेवल पे आएगा उसको, भगवत ज्ञान मिलेगा, भगवान के बारे में कुछ ज्ञान हो, ऐश्वर्य का ज्ञान होगा। और प्रधानी भूता भक्ति, इसका फल क्या है, या इसको मिश्रिता भक्ति कहते हैं। मिश्रिता भक्ति का फल है ज्ञानमयी रति, ज्ञान तो हुआ ही हुआ और उस ज्ञान के फल स्वरूप भगवान से रति भी हुई। ये वैकुंठ वासियों में देखा जाता है। और केवला भक्ति का फल है प्रेम, सब छोड़ करके, सब तज भजन करो दिन राति, उसको मिलेगा प्रेम। अब मोहि करप कृपा करो यही भांति। तो जो केवल भगवान की भक्ति में लगा है उसको प्रेम मिलेगा, यही वास्तविक प्रेमा पुमार्थो महान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। यही लक्ष्य है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा। और तीनों प्रकार की भक्तियों से अनुभव भी अलग अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप का बोध होता है, और ज्ञानमयी रति के द्वारा भगवान का चिद ऐश्वर्य, भगवत स्वरूप का आस्वादन होता है। अब भगवत स्वरूप तो देवकी के सामने भी प्रकट है, लेकिन देवकी उस स्वरूप का आस्वादन नहीं कर रही है, सामने स्वरूप है उसका आस्वादन करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ज्ञान मिश्रित नहीं है, तो प्योरली कह दो कि वैकुंठ के लायक हैं वो भी नहीं है, और प्योरली कह दो कि यशोदा के बराबर हैं तो वो भी नहीं है। हाँ, काफी क्लोज है, यशोदा के काफी क्लोज है भक्ति के मामले में। तो अनुभव की बात कर रहे थे, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप का बोध होता है, और ज्ञानमयी रति के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है, और भगवत स्वरूप का आस्वादन होता है। भगवत स्वरूप देखा, विष्णु स्वरूप, और खूब आस्वादन कर रहा है उस स्वरूप का। और प्रेम के द्वारा माधुर्यमय राम कृष्ण आदि रूपों का आस्वादन किया जाता है। वास्तव में स्वरूपतः वे एक ही हैं, परंतु आस्वाद के तारतम्य से उसमें भेद है, आस्वादन की दृष्टि से भेद है। बाकी ब्रह्म परमात्मा भगवान सब है एक ही। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम, या अद्वय ज्ञान है, लेकिन आस्वादन तो अलग अलग है ना। लीला का भेद है लीला के कारण, फिर आस्वादन का भी भेद है। और फिर ये जो प्रेम है जो कि केवला भक्ति से प्राप्त होता है, इसके भी चार भेद हैं, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, या उज्ज्वल रस भी कहते हैं इसको। जय जयोज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। उज्ज्वल रस भी कहते हैं इसको, माधुर्य रस को। तो देव की वात्सल्य रस में है, तो वात्सल्य रस की महिमा क्या है? तो वात्सल्य रस, वात्सल्य प्रेम ने अपने स्वभाव से श्री कृष्ण को अनुकंपा का पात्र बना दिया है। अब श्री कृष्ण के प्रोटेक्शन की चिंता हो रही है, श्री कृष्ण पे देव की कृपा कर रही हैं,
कि ऐसे सुरक्षित नहीं रहोगे तुम ये चार शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, बच्चा बन जाओ तुमको छुपा दें बच जाओगे, एक कंस बहुत भयंकर है मार देगा तुमको। और अब तो कोई डाउट भी नहीं रहेगा, देख लेगा हाँ विष्णु ही आ गया है, तब तो पक्का मारेगा। तुम समझ रहे नहीं हो, तुम सोच रहे हो मधुसूदन ये वो, तुम हो मधु को मारा होगा, ये मधु से भयंकर है, करोड़ों गुना ज़्यादा ताकत है इसकी, और बिना कारण मारता है। कोई कारण हो, मेरे छह बच्चों का क्या कारण था, आठवां मारने आ रहा, तुमको आठवें को मारते, ये ऐसा भयंकर है, इसका नाम लेने में हमको डर लगता है। तो श्री कृष्ण को अनुकंपा का पात्र बना दिया, श्री कृष्ण उनकी कृपा के बिना सुरक्षित नहीं रह पाएंगे अब देवकी की कृपा से, ये इनका वात्सल्य है। अर्थात लाल्य पाल्य भाव से ममता का विषय बना दिया भगवान को, अब यहां से अचिंत्य हो गया सब कुछ। जब तक ऐश्वर्य ज्ञान था तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक उतना अचिंत्य नहीं था, हालांकि उतना भी लोगों के लिए अचिंत्य है, दिखाओ तो माने भगवान, दिखाओ तो माने करते हैं, देखने के लिए पहले आंख चाहिए ना, प्रेमांजन छुरीता। अब कोरोना सब बिना देखे मान गए, किसी ने नहीं देखा, भगवान को दिखाएंगे तब मानेंगे, ऐसे डरने लग गए, कहां पर है सब, ना कोई कहीं जा रहा है ना आ रहा है। भगवान को भी ऐसे मान लो, गीता भी लिखा है भगवान कह रहे हैं, भक्त लोग इतना कह रहे हैं। तो वात्सल्य प्रेम की महिमा क्या है, भगवान को अनुकंपा का पात्र बना दिया, ममता का लालन पालन का विषय बन गए भगवान। और श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का स्पष्ट रूप से अनुभव होने पर भी, क्लियर अनुभव है मधुसूदन कह रही हैं, उसके बावजूद वह वात्सल्य प्रेमवान जनों को इस प्रकार से आच्छादित करता है, ऐसा कवरिंग डालता है ये प्रेम, कि ममता की रस्सी से बंधे हुए श्री कृष्ण, ममता की रस्सी से बंध जाते हैं श्री कृष्ण, और ऐसे बंधे हुए श्री कृष्ण उस वात्सल्य प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसने इतना प्रेम दिया तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसने हमको इतना प्रेम दिया तो हमें भी इनका बच्चा बन करके इनको वैसा ही सुख देना है। अपने अपार माधुर्य का वात्सल्य प्रेमवान जनों को आस्वादन कराते हैं, भगवान भी उनको टेस्ट लेने के लिए अवसर देते हैं, भगवान की इस माधुरी का अन्य लोग आस्वादन नहीं कर पाते। जो लोग ऐसा वात्सल्य प्रेम कृष्ण से नहीं करते, वो लोग फिर भगवान का रेसिप्रोकेशन भी नहीं मिलता उनको, वंचित रह जाते हैं। ये है वात्सल्य प्रेम की महिमा, भगवान अनुकंपा के पात्र बन जाते हैं पहले तो, उनके लालन पालन के विषय बन जाते हैं, और फिर उनका जो ऐश्वर्य है ज्ञान सामने दिखते हुए भी ऐश्वर्य वो दिखता नहीं, उस वात्सल्य प्रेम ऐसा उस ऐश्वर्य को ढक देता है कि कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं, क्या करें। ज्ञान या ज्ञानमय रति के द्वारा सच्चिदानंद वस्तु का जो आस्वादन होता है उससे करोड़ों गुना अधिक ममता के कारण प्रेम का आस्वादन होता है। ज्ञान और ज्ञानमय रति से क्या सुख मिलेगा, ब्रह्मानंद और वैकुंठ का सुख भी फीका हो जाता है इसके आगे। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि चंद्रमा की शीतल चंद्रिका, चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है गर्मी के दिनों में, सूर्य के ताप से व्यक्ति तपित हो करके, अब रात हो गई पूरा शीतल चांदनी बिखर रही है चारों तरफ, तो एक तो चंद्रमा देखने में इतना सुंदर, ऊपर से चांदनी, और सर्व संताप निवारणकारी, सारा ताप हर लेता है वो, उसका दर्शन बहुत सुखदायक होता है, परंतु
उससे अधिक अपना पुत्र सुखदाई होता है। होगा चंद्रमा, अच्छा बिखेरता होगा चांदनी, बिखेरता होगा शीतलता, लेकिन ये मेरा बेटा है। चंद्रमा के साथ मेरा जैसा कोई संबंध थोड़ी है ममता का। और हमारा बेटा चाहे वो सर्वगुणहीन हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे कैसा हो, मेरा है वो। हमको उस चंद्रमा से भी अच्छा है, जिस चंद्रमा से भगवान के मुख की तुलना की जा रही है, उससे प्यारा मेरा बेटा है। गोद में लिए प्यार कर रहे हैं, जितना बल्कि उसमें दोष होगा, कमी होगी, उतना माता पिता का तो प्रेम और उसके ऊपर बरसेगा। तो इसका कारण क्या है? वो इतना सुंदर, इतना गुणवान चंद्रमा और बेटे में कोई गुण नहीं तो भी प्यारा। कारण है ममता, ये मेरा है बस। ये जो फीलिंग है मेरा वाली, ये कृष्ण के साथ होनी जरूरी है। तब हमें फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई, खत्म बात हो गई, दूसरा कोई नहीं। मेरा तो क्या कारण है? एक चीज अच्छी लग रही है, दूसरी नहीं। बहुत सुंदर होते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत कुरूप होते हुए भी अच्छा लग रहा है। ममता, ये है ममता। और कोई सोचे कि भाई ये तो अभी इससे ज्यादा विष्णु स्वरूप, ये नीला नीला शरीर और आभा बिखेर रहा है, कमल जैसी आंखें, कितना सुंदर स्वरूप है। इसको कह रहे नहीं तुम सामान्य बालक बन जाओ, सामान्य बालक इतना सुंदर थोड़ी होगा। मेरा होगा ना तो मेरे लिए वही प्यारा है, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, सुरक्षित रहेगा ना। ये सुरक्षित नहीं है, भले कितना ऐश्वर्यवान दिख रहा है, कैसा भी दिख रहा, वो कम से कम उसको हम छुपा लेंगे अपने आंचल में, अपनी साड़ी से छुपा लेंगे, कहाँ से आएगा। तो कुछ कर लेंगे हम, कुछ तो करेंगे, नहीं देंगे पहले हम मर जाएंगे उसके बाद इसको देंगे, कुछ भी करेंगे। और जब अपना बच्चा ऐसा भी प्यारा होता है, जब अपना हो जाता है, ममता जिसमें हो जाती है, फिर सर्व गुण मंडित, स्वभाव से ही अतिशय सुख देने वाले भगवान श्री कृष्ण किसी के पुत्र बन जाएं, तब उसमें कैसी ममता होती है? कर सकते हैं क्या कल्पना? असीम ममता, कोई सीमा नहीं फिर उस ममता की। इसमें क्या संदेह है? उसके आगे क्या वचन वसुदेव जी का, ये वो ममता जब आ गई तो उसके आगे सब अंधा कर देती है। उसको बस अपने बच्चे की सुरक्षा चाहिए और दूसरा कुछ चाहिए नहीं। तो इस उदाहरण द्वारा ज्ञान और प्रेम में आकाश और पाताल का भेद प्रदर्शित हुआ है। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो चंद्रमा कितना सुंदर, मेरा बेटा उतना सुंदर नहीं, लेकिन ये मेरा बेटा, चंद्रमा मेरा नहीं है। तो ये ज्ञान और ममता, ज्ञान और प्रेम, इसके कारण बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो एक ममता अविद्या के कारण होती है और दूसरी ममता प्रेम के कारण होती है। दोनों में अंतर समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे अविद्या अपनी वृत्ति ममता के द्वारा जीव को दुख देने के लिए बांधती है, वैसे ही प्रेम भी अपनी वृत्ति ममता के द्वारा सुख स्वरूप ईश्वर को भी अतिशय सुख प्रदान करने के लिए बांध देता है। फिर से सुनिए, अविद्या क्या करती है? अविद्या की एक वृत्ति है, अविद्या का एक बिजनेस है, अविद्या का एक काम है क्या? ममता। अविद्या ममता उत्पन्न करती है, किस लिए? जीव को दुख देने के लिए। जितनी चीजों में ममता हो गई
जितने व्यक्तियों में ममता हो गई उनको छोड़ने में उतना ही दुख होगा। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे वह छोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे, दो चार श्वास आखिरी के, बस खत्म सब कुछ, कोई ममता अब नहीं रहेगी, दूसरे शरीर में चला गया। अब वहाँ ममता बना लिया, अविद्या थी तो ममता उसकी वृत्ति थी, ममता ने एक्सपेंशन किया और सब मेरा मेरा करने लग गए। तो ममता भी बांधती है, अविद्या वाली ममता भी बांधती है और प्रेम की ममता भी बांधती है। अविद्या की ममता दुख देने के लिए बांधती है जीव को, हमें हमारे ही अंदर अविद्या थी, हम ही ने ममता की और हम ही को दुख मिला, और जिस जिस ने हमसे ममता की उनको भी दुख मिला। वैसे ही प्रेम की भी एक वृत्ति है ममता, अविद्या की भी वृत्ति ममता, प्रेम की भी वृत्ति ममता, लेकिन जो प्रेम की वृत्ति ममता है वो बांधती किसको है, ईश्वर को। और कैसे हैं वो, उनको क्या किसी से सुख चाहिए, वो खुद सर्व सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद है, उनको हमसे सुख पाने के लिए नहीं बंधे हैं, हमको सुख देने के लिए वो बंधे हैं कि हाँ माँ को कितना अच्छा लगेगा। तो ये दोनों का आदान प्रदान है। तो प्रेम भी अपनी वृत्ति ममता के द्वारा सुख स्वरूप ईश्वर को भी अतिशय सुख प्रदान करने के लिए बांध देता है। जितना सुख अभी तक कृष्ण ले रहे थे, बंधने के बाद उनका सुख और बढ़ गया। क्यों नहीं बढ़ गया, दुनिया भर में भक्त लोग नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम कर रहे हैं, सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा, दीपदान हो रहा है, और न बंधे होते तो इतना सुख मिलता। तो भगवान को सुख देने के लिए वो ममता बांधती है भगवान को, और यहाँ की जो अविद्या वाली ममता है वो जीव को दुख देने के लिए ममता से बांधती है। तो अब जिस ममता से बंधना हो वहां तो हम बंध जाएंगे और यहाँ ईश्वर बंध जाएगा। एक ममता अविद्या की वृत्ति है और दूसरी ममता प्रेम की वृत्ति है। वृत्ति माने बिजनेस, अविद्या का काम भी ममता उत्पन्न करना और प्रेम का कार्य भी ममता उत्पन्न करना। अविद्या द्वारा उत्पन्न ममता जीव को दुख में डालती है, जबकि प्रेम द्वारा उत्पन्न ममता सच्चिदानंद भगवान को भी सुखी बनाती है, इसलिए वे बंध जाते हैं। अब सुख किसको नहीं चाहिए, भगवान को और सुख मिल रहा है तो बंध गए, बंधने में जब ज़्यादा सुख है तो ठीक है, अकेले अकेले सच्चिदानंद में पड़े रहो तो क्या सुख है। जैसे अपराधी व्यक्ति को रस्सियों से बांध के लाया जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति को रस्सियों से बांध के लाया जाता है, वैसे ही माननीय व्यक्ति को कैसे लाया जाता है, सुगंधित द्रव्य कैसे बांध दिया जाता है, इस व्यास आसन से हिमालय पहना दिया सुगंधित फूलों की, अब बांधे रहो, चलो सुनाते रहो कथा बांध दिया। ऐसे ही बैठा दिया जाता है मालाएं वालाएं पहना के एक व्यक्ति को। अपराधी व्यक्ति को रस्सियों से बांध कर लाया जाता है, माननीय व्यक्ति को सुगंधित द्रव्य सूक्ष्म वस्त्र पगड़ी आदि के द्वारा बांधते हैं, खूब उसको गिफ्ट विफ्ट दे दो बंधा रहेगा, परंतु उससे उस माननीय व्यक्ति को सुख पहुंचता है, और अविद्या जब बांधती है रस्सियों से तो बड़ा दुख होता है। इस प्रकार अविद्या के वशीभूत जीव दुखी हैं, किंतु प्रेमाधीन श्री कृष्ण अत्यंत सुखी हैं। जैसे ज्ञान द्वारा जीव के पंच क्लेश दूर होते हैं, पंच क्लेश क्या है अभी विस्तार नहीं करेंगे उसका, तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र, ये पांच क्लेश कहलाते हैं, मान लीजिए पांच प्रकार के दुख हैं, तो ये दुख ज्ञान से दूर होते हैं। हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, ये सबसे पहला पहला ज्ञान है, और ये सारा का सारा जो दुख है ये हमारा है ही नहीं, तो बॉडी के लेवल पे है,
तो इसलिए इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाला सुख दुख है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी की तरह है, आया भी है चला भी जाएगा, इसलिए तांति दीक्षत स्वभावता इसको सहन कर लो, ये है सिद्धांत। तो ज्ञान मिला भगवान से गीता का दूसरे ही चैप्टर का, तो दुख गया पंच क्लेश। उसी तरह प्रेम के द्वारा, जैसे ज्ञान के द्वारा पंच क्लेश दूर होते हैं, उसी तरह प्रेम के द्वारा भगवान के विषय में जो ज्ञान था, जो ऐश्वर्य था, वो आवरण हट जाता है, तो ऐश्वर्य भाव विहीन भक्ति का उदय होता है। ठीक है, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ऐश्वर्य भाव विहीनता नहीं आएगी, और प्रेम के स्तर तक पहुंचे बिना, अभद्र तक नाश नहीं हुआ है, रजोगुण तमोगुण में फंसा हुआ है, जीव है और अपने आप को कह रहा है कि हम गोपी हैं, ये सहजियापन। सहजिया लोग प्रेम के स्तर पे पहुंचे बिना ही ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि मेरे सब आवरण हट चुके हैं। तो प्रेम के द्वारा ज्ञान और ऐश्वर्य का आवरण हट जाता है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान वो भी हट जाता है। जैसे कहा अभी ममता, ममता ऐसी चीज़ है जो भगवान के ऐश्वर्य को भी आच्छादित कर देती है और भगवान को वशीभूत कर देती है। तो वो जब प्रेम होगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक ऐश्वर्य ज्ञान है तब तक ऐश्वर्य ज्ञान में रहने में क्या है। लेकिन जिनको जल्दी मान प्रतिष्ठा चाहिए होती है वो इस सहजीयपन में आ जाते हैं। तो प्रेम के द्वारा ऐश्वर्य और ज्ञान का आवरण हट जाता है। उनमें से यशोदा आदि का शुद्ध प्रेम अपने आश्रय और विषय दोनों को ममता रूपी रस्सी से बांधकर असीम सुख प्रदान करता है। यशोदा का प्रेम शुद्ध है, उसमें ज्ञान नहीं है, तो आश्रय और विषय, प्रेम के विषय हैं कृष्ण और प्रेम का आश्रय है यशोदा, तो दोनों को रस्सी से बांध देता है, दोनों बंधे हुए हैं और असीम सुख दोनों को मिलता है। किंतु वैसे प्रबल वात्सल्य प्रेम के अभाव में, अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान के मिश्रण के कारण, देवकी आदि का प्रेम उतना सुखकर नहीं हो पाता। जितना सुख यशोदा लेती हैं उतना सुखकर देवकी का प्रेम नहीं हो पाता, फिर भी कितना सुखकर है, वैकुंठ से भी कहीं अधिक है। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यहाँ उसके कारण को ढूंढना उचित नहीं है, यहाँ इसकी व्याख्या में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यशोदा देवकी आदि नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनका प्रेम भी नित्य सिद्ध है, वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि भगवान को हर तरह के भक्त चाहिए, हर तरह का प्रेम चाहिए, उनका प्रेम भी नित्य सिद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं होता, वो सभी निर्मल है उसमें। बस ये आस्वादन की दृष्टि से जो भेद है उसको भी वर्णन नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये जगह उचित नहीं है इसका वर्णन करने की, ये सभी निर्मल है। देवकी ने कहा, हे भगवान, महाप्रलय में आपके अंदर अनंत करोड़ ब्रह्मांड धूल कणों की भांति विलीन हो जाते हैं, प्रलय रूप निशा के समाप्त होने पर आप अपने श्री अंग में विलीन ब्रह्मांडों को फिर से प्रकाशित करके उनका पालन करते हैं, ऐसा होते हुए भी आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, इस पर कौन विश्वास करेगा, आप मेरे गर्भजात पुत्र हैं, ऐसा प्रचार होने पर मेरी कीर्ति के स्थान पर मेरा अपयश होगा, क्योंकि यह सुनकर सभी कहेंगे कि झूठ बोलने वाली स्त्री है ये, अनंत करोड़ ब्रह्मांड पति क्या एक नारी के गर्भ से जन्म ले सकते हैं, साधारण नारी के, अतएव आप इस अलौकिक रूप को छिपाकर नारी के गर्भ से उत्पन्न बालक की भांति द्विभुज नराकृति स्वरूप को प्रकट कीजिए। दो भुजाओं वाला मनुष्य के बच्चे जैसा होता है वैसे बन जाइए,
आप नर लीला का अनुकरण करेंगे, इसीलिए तो आपने सामान्य नारी के गर्भ से जन्म लिया है, आप नर लीला करना चाहते हो ना, पता चल रहा है हमारे गर्भ से आने का मतलब ही यही है कि आप नर लीला करना चाहते हैं। अतः द्विभुज मूर्ति ही आपकी नरलीला के अनुरूप है, ये सूटेबल नहीं है, ये स्वरूप से आप नरलीला कहाँ कर पाओगे। अतएव आप चतुर्भुज रूप को छिपाकर द्विभुज रूप को प्रकट करें। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित वात्सल्य प्रेमवती देवकी का हृदय कभी ऐश्वर्य में और कभी वात्सल्य में दोलायमान होने लगा। वह देवकी कभी कंस के भय से भीत और कभी भगवान का पुत्र रूप में आगमन जानकर विस्मय से अभिभूत होकर बहुत प्रकार से अपने मनोभाव प्रकट करने लगी। अंत में अत्यधिक प्रेम के आवेग के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और उनका गला भर आया, वे निर्वाक हो गईं, अब कुछ बोला नहीं जा रहा, निस्पंदन हो गई, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं रहा, निर्वाक हो गई, निस्पंदन और पलकें भी नहीं झपक रही, आप पलक नेत्रों से बस कृष्ण को देखे जा रही। 8 श्लोक बोलने के बाद अब वो अपलक हो गई, निर्वाक हो गई और निस्पंदन हो गई। चतुर्भुज रूप के संवरण के लिए देवकी ने इतने सारे तर्क दे दिए कि आप इसको तो समेट ही लीजिए। तो एक बात तो देवकी ने कही कि बड़े बड़े योगी तपस्या करके ध्यान में आपको देखते हैं, तो ध्यान गम्य है आपका रूप, ये चरम चक्षु वालों को मत दिखाइए। फिर भगवान ने कहा कि कंस आएगा तो ये करेगा, कहेगा कहाँ गया कहाँ गया, तो ऐसा कुछ करो कि उसको पता ही ना चले कि तुम मेरे बेटे हो, ये तो कर सकते हो। फिर कहने लगी कि आप नर लीला करना चाहते हो, इसीलिए तो मेरे जैसी साधारण नारी से जन्म लिया आपने, तो अब ये अलौकिक रूप हटाओ यहाँ से, नर लीला ही करनी है तो उसके लिए सूटेबल वही है। और फिर तुम सोच रहे हो कि मेरी ख्याति होगी, कोई ख्याति नहीं होगी, मेरा उपहास होगा, इसलिए अब तुम इस रूप को संवरण कर लो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि भोल। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, तोड़ी न छोड़ी जाए मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, तोड़ी न छोड़ी जाए मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, जीनी जीनी साकर होए ताहे तोड़ दिखाऊं, साकर होए ताहे तोड़ दिखाऊं, पर्वत होए ताहे धार दिखाऊं, पर्वत होए ताहे धार दिखाऊं, वज्र होए ताहे पीस उड़ाऊं, वज्र होए ताहे पीस उड़ाऊं, धनुष हो
होए तो तोड़ू छिन में प्रीत न तोड़ी जाए, धनुष होए तो तोड़ू छिन में झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, थोड़ी न छोड़ी जाए मो पे थोड़ी न छोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे थोड़ी न छोड़ी जाए, सागर होए ताहे बांध दिखाऊं, सागर होए ताहे बांध दिखाऊं, अग्नि होए ताहे मैं पी जाऊं, अग्नि होए ताहे मैं पी जाऊं, खंब होए ताहे फाड़ दिखाऊं, तीन लोक लाऊं नाप चरण ते, तीन लोक लाऊं नाप चरण ते प्रीत न नापी जाए, प्रीत न नापी जाए, तीन लोक लाऊं नाप चरण ते प्रीत न नापी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, बीस भुजा छिन माही उखारूं, बीस भुजा छिन माही उखारूं, सहस्त्र बाहु को काट में डारूं, परशुराम सहस्त्र बाहु को काट में डारूं, चर चीर हरुणा कुश फाड़ूं, भौह मरोड़ पलट दऊं सृष्टि, भौह मरोड़ पलट दऊं प्रीत न पलटी जाए, प्रीत न पलटी जाए, भौह मरोड़ पलट दऊं सृष्टि प्रीत न पलटी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, झीनी सब देवन में देव कहाओ, सब देवन में देव कहाओ, मेरी माया को पार न पाओ, सब ही हार मोहे शीश नवाओ, जो मैं चाकर बनु भगतन को, जो मैं चाकर बनु प्रेमानंद बढ़ जाए, प्रेमानंद बढ़ जाए,
जो मैं जाकर बनू भगतन को प्रेमानंद बढ़ जाए, जो मैं दीनी दीनी प्रेम की थोड़ी मोह पे थोड़ी न छोड़ी जाए, दीनी थोड़ी न छोड़ी जाए, मोह पे थोड़ी न छोड़ी जाए, थोड़ी न धीनी धीनी प्रेम की थोड़ी मोह पे थोड़ी न छोड़ी जाए, दाई गौर प्रेमानंद। तो प्रेम की डोर को भगवान तोड़ नहीं पाएंगे, तो भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम तभी होगा, किसी से भी प्रेम तभी होता है जब हम उसको जानते हैं। दो लड़कियां रास्ते में जा रही थीं, तो एक लड़का दिखाई दिया सुंदर सा, तो एक सहेली ने मजाक में दूसरी से कहा कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, इससे शादी कर लो। ने क्या बकवास कर रही हो, शादी हमारी माता पिता हमारी तय करेंगे कि तुम जो है ये कह रही हो, ऐसी फालतू बातें हमसे मत किया करो, चलेंगे घर। घर पहुँचे तो पिताजी ने कहा कि बेटा एक बात बताएं, आज हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अच्छा, लड़का देखना चाहोगी, फोटो दिखाई तो वही लड़का था। अब जीवन भर के लिए वो हो गया कि हाँ ये मेरा पति है, तब प्रेम हो गया। तो जब तक जानते नहीं है संबंध, तब तक प्रेम कहाँ से आ जाए। तो उसने तो अपनी सहेली को ही डांट दिया, ये फालतू बातें ना किया करो। तो भगवान को पहले तो जानना है, और जानेंगे कब, जब भगवत भक्ति योगतः, और वो भी कैसे, प्रसन्न मनसो, और वो भी किस चीज में प्रसन्न, सतोगुण में प्रसन्न, स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जब सतोगुण में रह करके हम खुश रहना सीखेंगे कि ये रूटीन हमको इतना आनंदमय लगेगा, फिर छूटेगा। अभी किसी दिन छूट रहा है, किसी दिन पकड़ रहे हैं, किसी दिन छूट रहा है, ये हो रहा है। तो ये सब जो है, पहले अभद्र का नाश हो, भागवत छोड़ना ही नहीं है। नित्यम भागवत सेवया रहा तो रजोगुण तमोगुण चला जाएगा, ये हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर हम सतोगुण में आ जाएंगे, फिर सतोगुण में प्रसन्न रहेंगे, फिर भगवत भक्ति योग्यता, फिर भगवत तत्व विज्ञानम, फिर भगवत प्रेम, ये सब क्रमिक विकास हो जाएगा। लेकिन शुरू कहाँ से होगा, नित्यम भागवत सेवया। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम